मैलापुर। सूर्य उदय हुए एक घंटा हो गया, स्ट्रीट लाइट अब तक जल रही है, ऑफ कर दीजिए। सब लोग लाइट नहीं जल रही है ऐसा कंप्लेन देते हैं, तुम जल रही है ऐसा बोल रहे हो? किस इलाके में? बेसन नगर बीच रोड। एक साल से वहाँ लाइट ही नहीं जल रही थी। असल में वहाँ लाइट ही लगी ये नहीं मालूम था। हेलो, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ ना, अब आप लाइट ऑफ कीजिए। फोन तुम रखोगे या मैं रखूंगा? गुड मॉर्निंग सर। हेलो, लाइन पर कौन है? सर सुबह हुए एक घंटा हो चुके हैं, बेसन नगर में स्ट्रीट लाइट्स ऑन हैं। लाइट ऑफ करना है ना, बस इतना ही कर देते हैं। जल रही है ना ये सोचकर आप खामोश नहीं रहे, बल्कि फोन करके आपने इतला किया। आप जैसे बुजुर्ग लोग ही अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं। नो सर, मैं 20 वर्ष का ही। 20 वर्ष के हैं? शौक लगा मुझे। नहीं तो आप ईबी ऑफिस में बैठे हैं, शौक तो लगेगा ही। 20 वर्ष में इतनी जिम्मेदारी वाला मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को सलाम करना चाहिए। खुशियों की माला पानोगे, जीत के सर ऊंचा करोगे। प्यार के भूल खिला के किसके लिए, संगीत सांसों में बसा के। भूलक उठी है मन में, भूली बिसरी हमें आवाज दे। खुशियों की माला ओ जीत के सर ऊंचा। अरे मैनेजर, तुम पर मुझे बहुत दिनों से संदेह है। ये प्रोडक्शन मैनेजर लोग बहुत जल्दी प्रोड्यूसर बन जाते। वो कैसे? वो छोड़िए, हाँ। इस फिल्म में आप कम से कम गीतकार बन जाइए। हाँ जी, जीजा जी इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद मैं आज तक गीतकार नहीं बन सका। सालिन मलर अपना नाम बदल दिया था, वो राशि के हिसाब से शुभ नहीं था, इसलिए अब मालिन पो रख लिया। वो कैसा है? तमिल पो, बसंत एंड को, ये दुकान के नामों जैसा है। ये क्या जो देख रहा है, चिकना थुबड़ा है। चल माधवन से मिलना है, चल ना। बेटा कहाँ है? क्या कर रही हो? खुशियों की माला। हाँ ठीक है, बाद में फोन करूंगी। प्यार के भूल खिला के किसके लिए। गाने को कभी भी धीरे स्वर में सुनना चाहिए, समझ गए? उन्होंने चिल्ला के कहा इसलिए नहीं सुना, आपने प्यार से कहा इसीलिए हम लोग सुनेंगे। देखा समधी जी, आपने कहा तो मान गए हैं, मैं ला कहूँ तो नहीं सुनते हैं। बच्चे भी समझ चुके हैं कि ये आपका बंगला है, मैं यहाँ यूँ ही जमकर हराम का खा रही हूँ, जो भी हो मैं मेहमान हूँ ना। देखिए मजाक में भी ऐसा मत बोलिएगा। नहीं तो क्या, और 6 महीने के बाद आपका बड़ा बेटा अमेरिका से आकर मेरी बेटी नवासा नवासी को लेकर चला जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगी, काशी जाना होगा। अगर आपको सिर्फ संबंधी समझा होता तो इस घर की चाबियाँ आपको सौंपती क्या मैं? इतने साल हो गए फिर भी आप ऐसी बातें करती हैं। हाय, MTIKN में हाइट डिफरेंस है। ये क्या है MTIKN? KN यानी कस्तूरी नानी, ND यानी निर्मला दादी, है ना बेटा? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब वो गंदी वाली नानी है और आप अच्छी वाली दादी। जी ऐसी बातें नहीं करते बेटा। Sun.
बेटी जाने की, मेरा आइटम सब मिला क्या? हाँ। देर किस लिए है? मुझे पता था, पूरा बैंगलोर घूम के ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे बेटी, इसकी महक तो बिल्कुल बराबर नहीं है ना। ये दूसरा वाला ब्रांड है, आप वाला मुझे मिला नहीं, इस बार जरा एडजस्ट कर लीजिए ना प्लीज। नाना जी, पूरा खत्म कर दोगे क्या? अरे इसमें क्या बचाना, क्वार्टर है, हाफ नहीं है, नो की कटाल, ये क्या मिर्ची की भजी है? पापा, तीखा नहीं है तो वही पी लीजिए। ये डिस्टर्ब मत करो बेटी, ये देख लास्ट स्ट्राइकर मारने जा रहा हूँ मैं। भगवान जी, नाना जी को माइनस पॉइंट ही मिलने चाहिए। अगर मैं जीत गया जैसा तुमने कहा वैसा करना ही होगा। भगवान जी माइनस पॉइंट होने चाहिए। भगवान ने तुमको धोखा दे दिया, मैं जीत गया, जैसा बोला वैसा करो। करना होगा। ऑफ कोर्स। मम्मी है ना नाना जी। अरे तेरी माँ ही तो देखना चाहती है। बस एक ही बात मेरे लिए। हाँ जी जी, आपने कहा था ना, उसे पकड़ कर लाया हूँ मैं। ए आरे, नमस्ते सर। नमस्ते को छोड़ो, ये क्या है? फंक्शन में मैं नहीं आऊंगा। क्यों सर? अपने इनविटेशन को तुम खुद ही पढ़ो। मुख्य अतिथि आप हैं, पार्थ पांडुरंगा राव। सर, पांडुरंगा राव जी फिल्म में म्यूजिक नहीं दिया तो? वो बहुत बड़े ज्ञानी है, उनको छोड़ो, आगे पढ़ो। बाद में के एस कृष्णमूर्ति, आगे पढ़ो। अपने पढ़ो पढ़ो। सी आर खन्ना, बस करो, उसका नाम मेरे सामने मत लेना। फंक्शन में नहीं आऊंगा बोलने पर तुमने पूछा था ना, यही आप और वो। मैं और वो कैसे हैं जानते हो ना? जानते हुए भी उसको बुलाया? वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर है ना। किसने बोला वो म्यूजिक डायरेक्टर है? म्यूजिक के बारे में वो क्या जानता है? एक बड़े संगीतकार को सम्मान देने जा रहे हो, ऐसे हालत में एक शराबी को बुलाकर छिछे? नहीं सर। क्या नहीं सर? उसको म्यूजिक एकदम नहीं मालूम, दारू पीना खूब जानता है। इधर सुनो, तुम्हें पसंद हो या नहीं, मेरे हिसाब से वो मेरे पांव की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। उसके कदम जहां पड़ते हैं वहां नहीं जाता। सेतुपति, रिकॉर्डिंग कैंसिल करो। राजकुमार घोड़े पर आया। एक चांस मिला है, सिनेमा का चांस नहीं है। कार्तिक मास आया है ना, अय्यप्पा स्वामी के लिए संगीत देना है, उसमें म्यूजिक दिया तो अभी म्यूजिक डायरेक्टर ही हो ना। अच्छे पैसे देगा बोल रहा है, भक्ति गीत है, गाने वालों को पुण्य मिलेगा। नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सबरीमलाई जाने वाले भक्तों को इस गाने से पुण्य मिलेगा यही बोल रहा था। वो पैसे लगाने वाला है ना, एक छोटी सी कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन है? सुमति ही गाएगी ऐसा वो। कौन है ये सुमति? ये दिल मेरा प्यासा है सनम सनम गाया था ना, आपको शायद पता नहीं, के आर भारती जी की खोज है। वो भी तुम्हारा भाई बन गया? माफ करना, जबान फिसल गई थी, आप कहे तो मैं साफ कर लूं। ठीक है, उसे बुलाओ। सर आइए, बच्चे लोग, आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। रहने भी तो। ये रही है। नमस्ते, ये सब भाई साहब के बच्चे नहीं है, पड़ोस के बच्चे हैं। भैया जी को नेहरू जी की तरह बच्चों से बहुत प्यार है। मेरा नाम शंकर है, नागमणि कैसेट का प्रोप्राइटर। कहाँ कहाँ नहीं खोजा तुझे सांवरिया, इनका कैसेट है, घर घर में खूब बज रहा है। सब कुछ इसने बताया, आपने निश्चय किया वही गाएगी, लेकिन मैं जब बोलूं उस वक्त आना चाहिए, जैसे मैं बोलूं वैसे गाना पड़ेगा। ओके, ये मेरी कंडीशन। छोटी सी एक आरजू है। क्या? भक्ति गीत फिल्मी स्टाइल में कंपोज किया तो बहुत बिकेगी, इसीलिए। इसीलिए के आर भारती जी का धुन टीनेज बहुत पॉपुलर है, सब लोग वही गा रहे हैं। ये पापी टीनेज में पर्वत पर गए हुए थे। हाँ, वही धुन को कॉपी करके रिमिक्स किया तो बहुत बिकेगी। बाहर निकल, क्या बोलता? मैंने क्या गलत किया जो ये भड़क गए? भड़केंगे नहीं तो और क्या, कॉपी करने वाले को बाहर निकालेंगे नहीं तो क्या, गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। अरे के आर क्या है मालूम है, बात करते हो, अहंकार छोड़कर कॉपी करेगा तो पेट भरेगा, समझ कर मौका दे रहा था। के आर भारती का धुन कॉपी करके अपना पेट भरने की जरूरत नहीं, इसके बदले खुद को फांसी लगाना बेहतर है। भारती तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संगीतकार होगा, मेरे हिसाब से वो दरवाजे पर रखा कचरे के डब्बे के समान है। ए, किसको कचरे का डब्बा बोलते हो? ज्यादा बोला तो मालूम बोलता है। अरे भैया छोड़ो मुझे, चला गया, देख लूंगा मैं इसे, कौन है ये, ये बनता क्या है? पढ़ता हूँ भैया, आप अंदर आइए भैया, आप बैठिए, उसे समझा देना, नहीं तो बहुत बुरा। नहीं, चांस नहीं मांगा, पागल भाई साहब, आज के बाद मैं ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करूंगा।
सम्मान से काम करो, ऐसा ही आप बोल रहे थे ना, वही आप है, मैं नहीं हूं। मुझे छोड़ दो। रामनाथ। हाँ आ रहा हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मैं मीना। मैं आपको जानता हूँ। ये हमारे पेपर के फोटोग्राफर। हेलो। इंटरव्यू स्टार्ट करें। क्या है कि किस शहर से आया, पहली फिल्म कौन सी थी, ऐसा ही मामूली सवाल है ना? नहीं सर। तो फिर अब फिल्म, राजनीति, लेखक, कोई भी फील्ड देखें तो पैर रहने तक बहुत फेमस होते हैं, लेकिन वही पैर अगर अलग हो जाए तो एक फेमस हो जाता है और दूसरे का नाम तक गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फेमस जोड़ियां एक दूसरे से अलग क्यों हो जाती हैं? इसी पर इंटरव्यू कर रही हूँ, दिवाली इश्यू कवर स्टोरी के लिए। मोस्टली सब पैर्स के साथ इंटरव्यू हो चुका है, बस आप और सीआर खन्ना बाकी हैं। आपके इंटरव्यू के बाद हम वहां जाएंगे। इंटरव्यू शुरू करें। पूछिए। फूलों के साथ धागा भी स्वर्ग जाता है ऐसा बोलते हैं। आप और भारती जी की जोड़ी रहने तक सुंदर फूलों की माला जैसे सुगंधमय थे, लेकिन उनसे अलग होने के बाद आप उतने आगे नहीं आए, इसलिए वो फूल हैं और आप केवल धागा, ऐसा फिल्म वाले बोलते हैं। इसके बारे में आपका कहेंगे? आप लोग पत्रिका ऑफिस से आ रहे हैं या फूलों की दुकान से, फूल और धागा बोलकर? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सर। भारती सर से अलग होने के बाद तीन फिल्में अकेले की, तीनों फिल्मों के गाने हिट हुए, लेकिन फिल्म हिट नहीं हुई। उसके लिए ये क्या करेंगे, इन्होंने तो खाली म्यूजिक दिया था ना, फिल्म के डायरेक्टर ये थे क्या? स्टोरी के साथ साथ सब लोगों ने मनमानी करके फिल्म का सत्यानाश कर दिया था, इनको धागा बना रही हैं? नहीं सर, मैं उस एंगल से नहीं बोल रही हूँ। सर आप बोलिए, भारती और आपके अलग होने का कारण क्या है? एक तेलुगु फिल्म के लिए मैं और खन्ना हैदराबाद में एक गेस्ट हाउस में कम्पोज कर रहे थे, एक अच्छी धुन के लिए कोशिश कर रहे थे, अचानक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब खड़े हो गए, ऐसा क्यों, मैं घूमकर दरवाजे की तरफ देखा तो उस फिल्म का हीरो आंध्र प्रदेश का बहुत पॉपुलर एक्टर है मैडम, वो खुद कंपोजिंग आया, पैसे लगाने वाला प्रोड्यूसर ही उसके लिए खड़ा हो गया, तो हम नए म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बैठे रहेंगे? मैं उन्हें सम्मान देने के लिए खड़ा हो गया, ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है क्या? चाहे तो सम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं, पांव पकड़े तो कौन सी सम्मान की बात है? हमारे लाइन में पांव छूना साधारण बात है, ऐसे ही छुआ तो किसका पांव छू रहे? बहुत ही अनुभवी लोगों का जिन्होंने मिसाल कायम की है, हमारे पांव छूने से उनको खुशी मिलती है, तो हमारा पांव छूने में क्या पाप है? गलत भी बोल सकते हैं, ठीक भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बात, हमारे इंडस्ट्री में अकेले प्रतिभाशाली कुछ नहीं कर सकता, जो अहम को छोड़कर आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ सकता है मैडम। इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, चापलूसी है, चापलूसी करके आगे बढ़ना है तो मैं पीछे ही रहूंगा, अब क्या है? मैं मन में सरस्वती का ध्यान करके एक धुन बना रहा था, उसी समय गाने के लिए सिर्फ होठ हिलाने वाला आ गया, तो मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? बोलिए। नहीं खड़ा हुआ, उसी बात को बड़ा मसला बना दिया। खन्ना खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ यही बात नहीं थी, उस दिन क्या हुआ पता है? वो बड़े स्टार कंपोजिंग में आए कहा था ना, उन्होंने ट्यून को इस तरह बनाओ इस तरह बनाओ कह रहे थे, वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनके लाखों फैंस हैं, जिस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ वो फिल्म सुपर हिट होनी चाहिए, तो क्या गलत बात है? वो तो बिल्कुल नेचुरल बात है, लेकिन खन्ना ने इसे नहीं सोचा ना, तुम मुझे ट्यून क्यों बता रहे हो? अगर मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा तो तुम मान लोगे? ऐसा कहकर झिकझिक करने लगा। जब ये बोलने लगा तो वो बड़े एक्टर का चेहरा देखने लायक था। उस एक्टर की एक्टिंग देख के आपको दया लगी? वर्षों से हम दोस्त रहे हैं, फिल्म से निकाल रहे हैं, भारती को हमें देख के दया नहीं लगी? आप दोनों को उस फिल्म को छोड़ना पड़ा? दोनों को नहीं, सिर्फ मुझे बाहर निकाला है। हमारी इंडस्ट्री में जो मुंह सीकर के रहता है वही अच्छा आदमी है, समझ गई? मन की बात उगला तो बुरा आदमी है। मैं मन के अंदर कुछ छुपा कर नहीं रखता हूँ, मन में आया तो फौरन बोलता हूँ, भारती बोलेगा ही नहीं। हाँ हाँ, वो भारतीय है तो विविध भारतीय बोलते ही रहेंगे नॉनस्टॉप। हाँ, ये ठंडा गर्म हो रहा है, पीजिए। किस कारण मुझे फिल्म से निकाला आपको मालूम है? वो बोलता, भाई मेरे फिल्म के हीरो को आप मान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको फिल्म से बाहर कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर कंधा पकड़कर बाहर धकलता, मैं बुरा नहीं मानता। खूब पीकर रिकॉर्डिंग थिएटर में गलाटा किया और ऐसी झूठी कहानी सुनाकर मेरी इज्जत धूल में मिला दी। ठीक है, जब मुझे फिल्म से बाहर किया तो भारती को भी छोड़ना चाहिए था ना, इसका मतलब ही तो जोड़ी है। वो अकेले ही फिल्म में म्यूजिक देने बैठ गया। खन्ना, खन्ना, अरे ओ खन्ना, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों होते हो?
तुम्हें छोड़कर वो फिल्म मैं अकेले कर रहा हूँ सोच के ना। तुमने उस हीरो के साथ झगड़ा किया इसलिए तुम्हें ना कह दिया। मैं कर रहा हूँ, अगली फिल्म हम दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तुम्हें निकालने के बाद मैं भी ना कह सकता था। ना कहने के लिए कितनी देर लगती है? उसके लिए हमने इंडस्ट्री में इतने दिन कष्ट उठाए क्या? अगर तुम्हारी तरह मैं भी झगड़ा करने लगूं तो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम निकालकर हमें झगड़ालू कहने लगेंगे। अगर ऐसा है तो हम नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बनेंगे? नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए किसी का गला घोट सकते हो, किसी का काम भी बर्बाद कर सकते हो, तुम्हारे जैसे सौर्थी भी बन सकते हैं। अरे बस करना, मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूँ सुनने के बाद कहना मैं जो कह रहा हूँ गलत है कि सच है। इधर सुनो, तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पगार में से आधी पगार मैं तुम्हें देने की सोच रखी है बस। तुम्हारी की फिल्म के पेमेंट से मुझे आधा दोगे? किसे चाहिए वो पैसा? ठीक है, पैसों की बात छोड़ो, किस कंडीशन पे मैंने ये फिल्म एक्सेप्ट की है जानते हो तुम? म्यूजिक मैं दे रहा हूँ लेकिन टाइटल में भारती खन्ना मतलब तुम्हारे नाम को भी जोड़ने के लिए मैंने हीरो से झगड़ा किया जानते हो तुम? दुनिया जानती है कि उस फिल्म में तुमने म्यूजिक किया है, फिर मेरा नाम टाइटल में क्यों? तुम मुझे भीख दे रहे हो क्या? बजाना बंद करो, पेपर पढ़ा क्या? मैं खड़ा नहीं हुआ इसलिए मुझे फिल्म से निकालकर पीकर रिकॉर्डिंग थिएटर में आए ऐसा तुमने सेटअप किया है ना? उस बारे में मैंने पेपर वालों को इंटरव्यू बताया क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है, सबको पता चलना चाहिए। अच्छा, इस इंटरव्यू को पढ़कर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें भी उस फिल्म से बाहर कर दिया? ए, क्या मुंह लेकर मेरे पास आए हो? जाओ पहले यहाँ से। मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? ये तुम्हारा मकान है क्या? अरे बात क्यों बदलता है, जाकर उसकी चापलूसी कर। रेडी रेडी, अभी आया। अरे रे, अरे कुछ हो गया। काम करो, बेंगलोर का एसटीडी 080 ही है ना? बार बार बेंगलोर को फोन कर रहे हैं। आपका भाई साहब का रकेल है क्या? देखो, एक बीवी संभालने की भाई साहब की पोजीशन नहीं है, फिर दूसरी बीवी क्यों? भाई साहब का ससुराल बेंगलोर में है, पत्नी और बेटी वहीं रह रहे हैं। भाई साहब की बेटी वहाँ कॉलेज में पढ़ रही है। बेटी, मद्रास से फोन आया है, तेरे पापा लाइन पे है। भाई साहब चांस के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं, संगीतकार जो है चांस नहीं मिला, इस दुख में फुल क्वार्टर आप पी रहे हैं। आज के देवदास हैं, ज्यादा पी रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी जेब से पी रहे हैं। क्यों रे, पीने की बात कर रहा है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो कानपुर के बाजू में नागपुर है ना, वहाँ के हैं, लेकिन अच्छा जान की लाइन पर है। हेलो पापा। क्यों बेटी, कैसी है? ये क्या पापा, आवाज बैठी हुई है, अपनी शराब पी। कल इंटरव्यू के नाम से एक आकर पिछली बातों को कुरेद कर मेरा और भारती के बीच हुए झगड़े को याद दिलवा दिया, इसीलिए थोड़ा पी। जानकी सॉरी बेटी। कोई बात नहीं पापा, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ। हाँ दरअसल मैं ही फोन करने वाली थी। क्या बात है? कॉलेज से हम सब लोग एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं पापा। हो बेटी, पर मैं यहाँ से पैसे अरेंज करके। आप दें या नाना जी, एक ही बात है। इनफैक्ट आप इस तरह लॉज में पड़े रहते हैं, ये मम्मी को नाना जी को कितना बुरा लगता है कुछ पता है? अच्छा तुम लोग कहाँ जाने वाली हो? चलो चलो उतरो, हाँ जल्दबाजी नहीं, संभल के। हाँ चलो चलो तुम भी चलो। हाँ देख कर, हाँ ठीक है, उतरो बेटा, चलो अंदर चलो, अब होटल के अंदर जाओ। नहीं नहीं, दो दिन और रुकूंगा, दोस्त की शादी में आया हूँ। नहीं नहीं, आज रिसेप्शन और कल शादी है। ठीक है। ये रात है, रात
गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाय, इसका 9 बनाकर देंगी? टाइटैनिक जैसा ही होगा ना, 19 साल की छोटी उम्र में 9 बनाकर चलाने वाली तुम्हारी ही दोस्त होगी। क्या सोच रही हो, पानी नहीं है उधर, देखो स्विमिंग पूल, चलोगी? बस मेरे लिए 1 9 बनाकर दो, दो ना। हंसाता है यही, यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। हेलो हेलो, ये सब क्या है, क्या कर रही तुम लोग यहाँ? बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे मना रहे हैं? क्यों, आज तक किसी का बर्थडे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा लगता है इसको। चल चलो। ये तुम्हारा घर है या बर्थडे मनाने के लिए होटल? हम लोगों को फिल्म देखनी है। देखिए, मैं तो नहीं रोक रही। क्या मैं नहीं रोक रही? ऐसे बर्थडे पार्टी मनाओ तो हम फिल्म कैसे देखेंगे? इस थिएटर में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, आपको क्या परेशानी है? और वैसे भी सिनेमा थिएटर में बर्थडे नहीं बना सकते, ऐसा तो कोई लॉ भी नहीं है। ओके, इसका मतलब जोर से गाना गाकर बर्थडे पार्टी मनाओगी यहाँ? फ्रेंड का बर्थडे है तो क्या मैं गा नहीं सकती? और ना गाने के लिए मैं कौन सी गूंगी हूँ? हेलो, यूं ही होटल के कॉरिडोर में सैक्सोफोन बजाने का मन हुआ इसलिए बजाया। हेलो तुम, जब आप सिनेमा थिएटर में चिल्लाकर बर्थडे पार्टी मना सकती है तो मैं यहाँ सैक्स क्यों नहीं बजा सकता? मैंने अपने वकील से पूछा, आधी रात को होटल के कॉरिडोर में जानकी के रूम के सामने सैक्सोफोन नहीं बजाना, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। ओके, गुड नाइट। तो हम सब चलें? जी हाँ मदर। हेलो, मैं यहाँ पर हूँ। हेलो, स्टॉप, जो जा रही है वो मेरे कॉलेज की बस ही है ना? अब उस बस को जाने दो ना, बाजू में बस स्टैंड है, कोई भी बस पकड़ के तुम जा सकती हो ना। हाँ, जल्दी करो। ये तो का मुझे दिल रुबा बना के मर मर कर जी रहा हूँ दीवाना बन के। We'll be right back.
सीबीआई कहा है बुला उसको सच में, सीबीआई कहा है बुला उसको सच में, लूटा मुझे इल्फत में फंसा के, संदे उसी पर आया मुझे, बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में ये बदल जाते हैं दोस्तों, बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में ये बदल जाते हैं दोस्तों, सीबीआई का है बुला उसको सच में, सीबीआई का है बुला उसको सच में, सीबीआई का है बुला उसको सच में, सीबीआई का है बुला उसको सच में। नशेली आंखों में फंसा के कर गई मदखोश मेरे को छुड़ा के, बर बर बाजार में यही सबके सामने देखता रह गया मैं सब कुछ लुटा के, ओ देवयानी दया की रानी तुम, ओ देवयानी तुम दया की रानी तुम, अस तो तेरे बिना न जीऊं मैं, तेरे लिए हर रोज तड़पू मैं, ये लौटा मुझे दिल रुबा बना के, मर मर कर जी रहा हूँ दीवाना बन के, सीबीआई कहा है बुला उसको सच में, सीबीआई कहा है बुला उसको सच में, सीबीआई का है बुला उसको सच में, सीबीआई का है बुला उसको सच में। मन में नहीं सुकून मिलती नहीं तो मुझे बेगाना कर गए, कोई बात नहीं अब हम इतना ही, मन में एक दर्द जगा गए, बड़ी प्यास है हो, मन उदास है हो, बड़ी प्यास है उदास है, जीवन सुना मेरा साथी नहीं काजल बना के आंखों में बसाते, ये रोका मुझे दिल रुबा बना के, मर मर कर जी रहा हूँ दीवाना बन के, सीबीआई कहा है बुला उसको सच में, सीबीआई कहा है बुला उसको सच में, लूटा मुझे इल्फत में फंसा के, संदे उसी पर आया मुझे, बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में ये बदल जाते हैं दोस्तों, बड़े प्यार से दिल चुराते हैं दोस्तों, एक पल में ये बदल जाते हैं दोस्तों, सीबीआई का है बुला उसको सच में, सीबीआई का है बुला उसको सच में, सीबीआई का
थैंक्स दादी। बेटे हंस रहे हो? अगर मैंने इन पर फैंटा डाला होता और ये मेरी तरह शर्ट उतार देती तो कैसा लगता, बस यही सोच रहा था। पसंद है? हेलो, बस में किस किस को ठंडा जूस चाहिए? दादी आपको चाहिए? ये तो बस से भी नहीं उतर रही। दादी ये लो। अरे यहाँ जो लड़की थी कहाँ गई? उधर देखो। हेलो सीबीआई, फिर मिलेंगे। चलाओ, मैं चल ना सकता हूँ। तुम चलो, तुम ही चलना पड़ेगा। अरे तुम चलाओ, तुम ही चलाओ, मैं नहीं चल सकता। ए, तुम चलाओ, चलो तुम चलाओ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तुम चलाओ, तुम चलाओ। हाँ मैं चलाता हूँ। हाँ ओके। अनजान लोगों के साथ सफर किया तो ऐसा ही होगा, ये हाईवेज है। ओके, अकेली रात में कोई भी लड़की अनजान लोगों के साथ सफर नहीं करेगी। ऐसी जगह में मदद के लिए पुकारो तो भी कोई नहीं आएगा। सुनो, अगर वो तुमसे रेप करने लगता तो तुम क्या करती? तुम्हारी मदद के लिए बहुत थैंक्स। तुम्हारी मदद के लिए बहुत थैंक्स। मेरी नकल मत करो, ये मुझे पसंद नहीं। मेरी नकल मत करो, ये मुझे पसंद नहीं। नाइस, ब्यूटीफुल, रियली थैंक्स। जोरो की भूख लग रही थी, कम से कम पानी पी के अपना पेट भर लूंगी सोचा तो तुमने उसे भी फेंक दिया। थोड़ी देर पहले मैंने जो थैंक्स कहा ना वो कैंसिल। हेलो, भूखी हो बोला ना, छोटी लड़की हो, चलो टॉफी खिलाता हूँ। हेलो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? होटल क्लोज कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या? जनरली बंद किए हुए होटल में खाने को कुछ नहीं मिलता। अच्छा चलो देखते हैं। हेलो भूखी, होटल खुल गया, चलो कुछ खा लो। पर होटल कैसे खोल दिया? मैंने एक बात बताई, उसने तुरंत खोल दिया। क्या कहा? मैंने पूछा क्या कहा? तुम मेरी बीवी हो बोला, जस्ट वाइफ ही नहीं। तुम पेट से हो 3 महीने, इसलिए जरा धीरे ही चलो। बेटी बेटी आराम से बैठिए। 3 महीने पेट से हो, अपना ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ, अब सावधानी बरतनी होगी। वाह सैंडविच भी आ गया। हेलो, my name is Gabriel and this is Shirley. Hi. We're tourists and we'd like to take a photograph of an Indian couple. Is this possible? Hey, फोटो लेते समय खाना अच्छा नहीं होगा, फोटो के बाद खा लेना। Come on, smile. Yeah, we are ready. No, 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 not like this. Like this, a kissing pose. Okay, no problem. I understand. Bye. Indians are a bit shy about this. English है ना, इसलिए English किस देने को बोल रहा था। इंडियंस पब्लिक में ऐसा नहीं करते हैं बोला, ठीक है ना?
मुझे क्यों घूर रही हो? हमें जाना भी है, जल्दी करो। भड़क क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं आया है। मेरे लिए नहीं आएगा। क्यों? हाँ बेटी, दो ही पीस थी, फिर भी बेटे ने बोला कि तुम्हें दे दे। कितना प्यार करता है ये तुमसे। अगर पहले ही बता दिए होते तो जो कुछ मिला था उसे हाफ हाफ शेयर कर लेते। बहुत नखरे हैं तुम्हारे। तुमसे ज्यादा नहीं। तुमसे ज्यादा नहीं। अरे सूटकेस है, कार गायब। ए, पहुंचो से पहुंच जाओ। आता हूं। जाबे चश्मिश। क्या हुआ, एकदम चुपचाप आ रही हो? इस फूल का नाम पता है? कमलगट्टा। ज्यादा नहीं, बस 100 फूलों के नाम जानता हूँ। 100 फूलों के नाम? गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, जूही, बेला, रजनीगंधा, सूरजमुखी, चंद्रमुखी, मोगरा, कुमुद, केबड़ा, नरगिस, बकुल, सेवंती, सोनजूही, पारिजात, मलतास। केबड़ा, नरगिस, बकुल, सेवंती, सोनजूही, पारिजात, अमलताश। नाइस। हेलो सर, लिफ्ट। अबे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, लगता है रात यहीं काटनी होगी। गाड़ी रोकनी है, बस इतना ही ना। बॉक्स से कोट निकाल के दो। हाँ अब देखो। वेरी गुड, नाइस। ठंड है ना? खिड़की भी बंद नहीं हो रही, स्टक हो गई है। बहुत ठंड है। अच्छा अच्छा, मेरा कोट निकालो। मजाक कर रहे हो? अरे इससे ज्यादा मैं कभी गंभीर नहीं हुआ, मेरा कोट दे दो। होटल में 3 महीने का था, पर अब 7 महीने का है। इतने सारे लोग हैं, सबके सामने कोट कैसे निकालूंगी? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे मेरा कोट चाहिए। नहीं दे सकती, जाओ, जो करना है कर लो। सर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ठंड लग रही, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। वो खिड़की भी जाम हो गई है, लगा नहीं सकते। इसके पास मेरा कोट है जो ये दे नहीं रही, अगर आप लोग कुछ बोले तो शायद ये मान जाए। प्लीज बोलिए ना, बोलिए ना। अरे बेटी ऐसा क्यों करी, कोट दे देना। ये झूठ बोल रहा है, आप देखिए ना मेरे पास कोट कहाँ है। नहीं बोल रहे साहब। नहीं नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है, बाहर नहीं पेट में है। बस रुकवाने के लिए मेरा कोट इन्होंने पेट में छिपा लिया, तभी तो आप लोग दया कर बस रोकेंगे। मैंने ऐसा किया, मैं मानती हूँ, पर ये मैंने अपने लिए नहीं किया। पांव दर्द हो रहे हैं, कुछ भी करके गाड़ी रोको कहा, इसीलिए मैंने इनके कहने पे ऐसा किया। क्यों भैया, तेरे लिए ही उसने इतना अच्छा ड्रामा किया और तू उसी को फंसा रहा है। हो गया ना, अब अपनी जगह पे बैठ जाओ। प्यार के फूल खिला के किसके लिए, उठी है मन में भूली। कान क्यों बंद कर रही हो? मेरे पापा को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने इसकी म्यूजिक कंपोज किया वो म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें पसंद नहीं। तुम्हें एक बात मालूम है, इस गाने का धुन बनाने वाले मेरे पिताजी हैं। हर बात में तुम्हें मजाक सूझता है, कुछ ऐसा झूठ बोलो जिसे मैं मान लूं। सच में इस गाने का धुन बनाने वाले मेरे पिताजी हैं, K.R. भारती। इस गाने से इतना नफरत करने वाले तुम्हारे पिता कौन हैं? C.R. खन्ना। बस में आधे रास्ते में जाकर हमें पता चला कि जानकी तो बस में चढ़ी ही नहीं है। हमने होटल में फोन किया तो पता चला जानकी चली गई है। हमें बहुत फिक्र हुआ। हमारे कॉलेज स्टूडेंट को तुमने बड़ी हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाया है। अब मैं चलता हूं मदर। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मदर। यहाँ साइन चाहिए। हाँ
थैंक्स। ओके। हेलो, तुम्हारा एड्रेस चाहिए। किस लिए? जब मेरी शादी होगी मैं आपको इनविटेशन भेजूंगी, इसलिए। ओहो, हम ऐसे ही मिले, कुछ बातें की, आप बाय बोलकर अलग हो रहे हैं। हमारा रिश्ता बस यहीं तक था, यही समझती हो ना? पर मैं ऐसा नहीं समझता, सच बोल रहा हूँ जानकी, आई लव यू। अरे रे कृष्णा, तुमने मुझे गलत समझा है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम शादी कब करें? एक्चुअली मैं तुम्हें सिर्फ एक, मुझे मालूम है मैं तुम्हें पसंद हूँ। मेरे पापा के जानने के बाद तुम दूर हो रही हो क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं पसंद करते। तुमने मुझे नहीं चाहा, ये झूठ बोलने के बदले खुशी खुशी अपने प्यार का इकरार करो, जो होगा सो देखेंगे। तुम्हारे पापा की वजह से या मेरे पापा की वजह से, ना नहीं कहा, मैं सच्ची में तुमसे प्यार नहीं करती। ओके कृष्णा, जो कुछ भी कहना था मैंने साफ साफ कह दिया, अब खामखा अपने मन में प्यार को बढ़ावा मत दो। सच्ची में मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जितनी जल्दी जान लो अच्छा है। बाय, मैं चलती हूँ। एक मिनट, जल्दी नहीं है, आज शाम तक का वक्त देता हूँ। मैं शाम को तुम्हारे होटल आऊंगा, अपने प्यार का इकरार करना, नहीं तो। हेलो, सागर तूफान बिजली बरका जरा सुख भी देती नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी बहुत सताती है, मुझे बहुत सताती है। कैसे रोग लगा दीवाना बन गया, दोष भी खोया बह में आ जा तो शांति मिले। तुम सुन पता नहीं मन में ऐसा रहस्य बसाया, चाहता हूँ मैं तुझको प्रिय अच्छा नहीं तड़पाना। रात भर दिन भर गंदी गर्मी जरा सुख भी देती नहीं, सागर तूफान बिजली बरका जरा सुख भी देती नहीं। होता तो होगा मिलने का, तेरे मन करता तो होगा, मुझमें उठने वाले तड़प उठी तो होगी, एक आग सीने में सुलगती होगी। उदास तेरी आंखों में, सुंदर तेरे अदरों में, बसा दूं प्यार अपना तो तुम आ जाओ। आके मैं तड़प तड़पो सोचो तुम। रात भर दिन भर ठंडी गर्मी जरा सुख भी देती नहीं,
अगर तूफान बिजली करता जरा सुस्ती देती नहीं। टाइम क्या हुआ है? 4:15। अरे भाई साहब, रिक्शा देना। कृष्णा, क्या हुआ? तुम यहाँ बिना कुछ कहे जा रहे हो? तुम्हारे कॉलेज के टूर खत्म होने तक मैं नहीं रुक सकता। मद्रास में मिलेंगे बोला था ना? मैं वो नहीं पूछ रही, बिना कुछ कहे जा रहे हो? नहीं समझी, अपनी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पापा से ही, मेरे पापा से ही इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों कृष्णा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भाग जाएंगे, चोरी से शादी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कहोगे ना? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती, उनके दिलों को दुख नहीं पहुंचा सकती। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं कुछ पता है तुम्हें? रोना हो गया। मुझे अमेरिका में MBA पढ़ने के लिए सीट मिला। US जाने के मूड में बहुत खुश हो रहा था। बाद में पता चला मेरे पापा मेरे बिना नहीं रह सकते। उसी दिन टिकट फाड़ कर मैं यहीं रह गया। मालूम है तुम्हें, अपने पापा को छोड़कर आओ, हम भागेंगे, ऐसी बात मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलूंगा। ओके ओके, घर पहुंचते ही अपने पापा से बात करूंगा कि ये सुंदर लड़की मुझे चाहिए। अब खुश? घर पहुंचते ही फोन करूंगा। बाय। टेक केयर। तुमने बहुत अच्छी देखभाल की, थैंक यू। प्लेशर मैम। अरे बेटा, अस्पताल में तो मैं बोर हो गई हूँ। तू लेट किस लिए हुआ? गाड़ी नहीं आई? गाड़ी तो आ गई है माँ, बस डॉक्टर से मिलकर चलते हैं। अरे डॉक्टर कहाँ है? मिस्टर जॉन पॉल ने मेरी दीवी डेरेविलिन खा तो ली ना। वो जॉन पॉल नहीं, धनपाल है। सो व्हाट, एक जॉनी तो मिस हुआ। आपका दिया हुआ डेरेविल नहीं था, सुबह पूजा के लिए रखा कपूर दे दिया। कपूर था? ऐसे ही निकले या जला के निकले? उस धनपाल को कपूर की महक नहीं मालूम। मेरे पेशेंट को तुम गधा नहीं कह सकते, मैं ही कह सकती हूँ। बिल्कुल।
अरे ये डॉक्टर कहाँ रह गई? वैसे भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं उन्हें ये याद ही रहेगा कि हमें यहाँ से। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, मैं आ गई। अच्छा क्या हम जा सकते हैं? अब मैं गुस्सा करूंगी? आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपके पाँव में स्टील की रॉड्स डालनी है, आपको प्लास्टर चढ़ाना है, इतना सारा काम बाकी बचा है और आप जाने की बात कर रही हैं। ये देखिए ऑपरेशन हुए 4 दिन हो चुके हैं, आप हर बात को इस तरह भूल कैसे जाती हैं? अरे देखिए आप हमारी फैमिली डॉक्टर है और आपका नाम बाला तिरुपुसुंदरी है, याद है? अरे आप ये क्या कह रही हैं? अगर मेरे भूलने की आदत के बारे में आप जानेंगी ना तो परेशान हो जाएंगी। बाहर जोरों का बारिश और तूफान हो रहा था एक दिन, दूसरी तरफ मेरा पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में मेरा इंतजार कर रहा था और उसी दिन मेरी माँ को गाँव भी जाना था। अरे रे, तो फिर पेशेंट को छोड़कर स्टेशन चली गई? स्टेशन जाती तो चल जाता ना, मैं भी उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ के चल पड़ी। आधे रास्ते जाने के बाद जाके मुझे याद आया, तुरंत दूसरे स्टेशन पे उतरी, वहाँ से ऑटो पकड़ी और वहाँ से मैं अस्पताल आके पहुँची। इतने में पेशेंट की आधी जान ही चली गई। अच्छा डॉक्टर, हमारे कृष्णा को बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट में MBA का एडमिशन मिला है, लेकिन जा नहीं रहा है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरी देखभाल के लिए यही रहना चाहता है। आप ही कुछ कहिए। तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं, इनका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे घर पे नर्स भेजने का जिम्मा मेरा होता है आज से, लेकिन ये बात मुझे याद दिलाने का जिम्मा तुम्हारा होता है। जो भी पूछ लीजिए, लेकिन कार्डशीट के बारे में इस महीने में मत पूछिए। हाँ नवम्बर में 1 साथ 10 दिन दूंगी, बताए ना। कल से डबिंग करूंगी ये भी बताया, कितना बड़ा डायरेक्टर है वो, उनके पिक्चर में मौका मिलना ही मुश्किल है, उनसे कैसे कार्डशीट एडजस्ट करने के लिए पूछूं मैं। दीदी वो डायरेक्टर कौन है? वो वेणु महादेव। ओके सर, बस आ ही रहे हैं, बहुत बिजी बिजी डायरेक्टर है ना। तुम्हारा जीजा जी KR भारती बजा मिल डायरेक्टर है, तो हमारा डायरेक्टर वेणुगोपाल भी, वो भी बड़ा डायरेक्टर है, कितना देर इंतजार करेगा? आज कंपोजिंग है या नहीं? गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून बोलिए। क्यों सर मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ। सर चलिए कोई बात नहीं, शुरू करें? नहीं सर, मैं तो बंद करने के लिए सोच रहा हूँ और आप है कि कंपोजिंग शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। फिर क्या सर, 10 बजे कंपोजिंग था, अभी 12:30 बज रहे हैं, 2.5 घंटे लेट होगा तो कैसे चलेगा? क्यों सर, हमने साथ मिलकर कितनी फिल्में किए हैं, आज तक कभी कंपोजिंग में लेट आया हूँ? पता नहीं भाई मिस्टेक आज लेट हो गया, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। खैर शुरू करें। सुबह 10 बजे कंपोजिंग रखा था, 10 बजे ही शुरू करेंगे कल सुबह 10 बजे। सॉरी सर, कल सुबह मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग है। मेरी डबिंग है साहब, आप 2.5 घंटे लेट आए ना, आपका इंतजार करते करते मेरा मूड अपसेट हो गया, आउट हो गया, आज ठीक नहीं होगा, छोड़ दीजिए। हमारी फिल्म आज के गाने से हिट हो जाएगा ऐसा समझ रहे हैं ना? नहीं, म्यूजिक बोले तो फोटोग्राफी या एडिटिंग जैसा फिल्म का एक हिस्सा है, समझे? कई सुपरहिट गाने वाली फिल्में फ्लॉप हुई है ना। खैर छोड़िए, आपके सुपरहिट गाने के बावजूद मेरी फिल्म फ्लॉप हुई है ना, गाने से सिर्फ फिल्म को नहीं बचा सकते साहब। मैंने कब मना किया है सर? सर एक फिल्म की सक्सेस मेरे और आपके हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ है, वही संभालेंगे। गलती हम करें और भगवान 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 बोले तो क्या है? कंपोजिंग है कि नहीं है? मैंने कहा ना आज कंपोजिंग नहीं है। सर आज तक आपने सिर्फ 3 धुन कंपोज करके दिए हैं, वही 3 गाने आप रिकॉर्ड करके दे दीजिए बस। ए राजकुमार। यस सर। बाकी 2 गाने फिल्म में नहीं रहेंगे, उन्हीं 2 गानों को सिचुएशन में कैंसिल करता हूँ। क्या कहा? सिचुएशन कैंसिल कर रहे हैं? ओहो आप क्या सिचुएशन कैंसिल करेंगे सर, मैंने जो 3 ट्यून कंपोज किए हैं वो कैंसिल कर रहा हूँ। आप गानों के बगैर पिक्चर हिट करने वाले हैं ना, तो फिर आपको ट्यून की क्या जरूरत है? सर आपकी फिल्म के लिए म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, आप अपने स्टोरी और डायरेक्शन में पिक्चर को हिट कर लीजिए, देखते हैं। हे राजकुमार, इस भारती को झुकाना है, मेरी फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर खोजो। CR कन्नन इनका पूरा नाम है, आधे पैसे कैश ले लें क्या? समझ गया, इधर इनकम ही नहीं है, फिर क्या आएगा इनकम टैक्स? ये लीजिए भैया, रेडी हो गया। मिस्टर खन्ना, मेरी ये फिल्म हिट हो या नहीं,
लेकिन आपकी दी हुई इस फिल्म के सारे गाने हिट होने चाहिए। भाई साहब म्यूजिक देंगे तो पिक्चर बॉक्स ऑफिस तक जाएगी, कैसे यकीन कर लिया? उसे रहने दो, आप तो जख्मी शेर है, कमाल कमाल कर देंगे आप। भारती के पास जाने वाले आपके पास आने चाहिए। भारती की ऐसी हालत होगी, नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये क्या 2 लाख रुपए लिखे हैं, अनपढ़ इसलिए 0 ज्यादा डाल दिए। ये 2 लाख म्यूजिक देने का एडवांस नहीं है, उसको भगाने के लिए दिया हुआ पैसा है। हेलो मिस्टर खन्ना, क्या बोल रहे हैं आप? क्यों टेंशन हो रहे हो? अभी किसी को मारने के लिए पैसा देकर फिक्स करते हैं, उसी प्रकार भारती को भगाने के लिए मुझे फिक्स कर रहे हो। एक पत्थर से 2 आम बोलते हैं, हम दोनों मिलकर 1 आम तोड़ेंगे, निशाना नहीं चुकेगा। टेक जीपी दो भाई। तने नाने नाना नाना तने नाने नाना तने नाने नाना नाना तने नाने नाना सुपर ट्यून है, डायरेक्टर आ रहे हैं। हाँ जी, आज मैं बिजी हूँ, क्या है कि कंपोजिंग है, सुपर ट्यून है सर, कंटिन्यू कीजिए। नहीं जमता नहीं सर, आपने बताया उसको मूड अलग है, इसका मूड अलग है, इससे बेहतर ट्यून देना है। ऐसा कहेंगे तो कैसे, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए टर्किश, ब्रिटिश और स्वीडिश, ये लोग हमसे बहुत दूरी पर है। इसमें से एक बिट, इसमें से एक बिट, इसमें से बिट। अच्छा पसंद नहीं आया क्या, चलो इस ऑर्डर में चलते हैं, नहीं तो इस ऑर्डर में चलते हैं, कमाल कर देंगे। थोड़ा मौका मिला तो बस डायरेक्टर को आउट करने के लिए बहुत लोग इंतजार करते रहते हैं। साहब क्या बजाते हैं? मस्का। इसीलिए अच्छा बजा रहे हो, सुपर ट्यून कंपोज कर सकता हूं। ठीक है तुम श्रुति डालो। का एक फ्लैट खरीद लेते हैं, वो भी सिर्फ नाम के वास्ते, हमारे प्रेस्टीज के खातिर हम एक बंगला भी खरीद सकते हैं। हमारा जो बिल्डर है ना वो सलीम, वो सिनेमा वालों के लिए घर बनाता है, अपनी जो ऐश्वर्या है ना उसके लिए भी उसने बना के दिया था। आपको किस इलाके में चाहिए बस उतना बता दीजिए तो बस। उसका कौन सा एरिया? बिल्डर ना, लोखंड वाला। मैंने किसके बारे में पूछा तुम नहीं जानते? कौन? अच्छा वो भारती ना, वो तो जू इलाके में रहता है, वही कह दूं क्या कि वो तो भीड़ भाड़ जगह रहती है। वो साउथ में है तो तुम नॉर्थ में जाके खोजो। ठीक है। खन्ना के गाने सिटी में तो ठीक है लेकिन गाँव का क्या हाल है? गाँव में आदिवासी इलाके में भी वही बज रहा है, कहीं गाँव में जाओ तो भी वही बज रहा है। फूल फुला मन में दिल सुलझा किस लिए, क्या कहते हैं वो गाना, तुमने सुना? हाँ। कैसा है? नयापन है उसमें। क्या नयापन है? सब कुछ पुराना ही है, कोई नयापन नहीं है। जो 7 सुर है उसी को उलट पलट कर दे रहा है, वो जानता क्या है जो देगा। क्या सेट है तुम्हारे पास? Thank you.
की? नहीं, बैंगलोर से यहाँ आने तक तुम्हारे पापा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने प्यार की बात करने वक्त ही ऐसा होना चाहिए था। यही एक प्रॉब्लम है, पहले ही दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, अब तो मामला और भी उलझ गया है। मुझे पता है, क्या कहने के लिए आए हो तुम? यहाँ से भाग चले, यही ना, यही कहना है ना? पागल हो गई हो क्या? मैंने कितनी बार कहा ऐसा नहीं बोलूंगा। हमारे माँ बाप मानेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, तो ये शादी कैसे होगी? फिर क्या करें, तुम और मैं अलग हो जाएं, इसके बाद तुम अलग मैं अलग, मुझे बॉम्बे में पढ़ने के लिए सीट मिला है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, तुम यहाँ किसी से शादी कर खुश रहो बस। हमारे मिलने का क्या रास्ता है पूछा था ना, बस एक ही रास्ता है, अगर तुम्हारे पापा को मैं पसंद आ जाऊं और मेरे पापा को तुम पसंद आ जाओ, तब तो हमारी शादी कोई नहीं रोक सकता। ये बताओ, तुम्हारे पापा को मैं कैसे पसंद आऊंगी और मेरे पापा को तुम कैसे पसंद आओगे? ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ मुमताज। ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। मैं चलता हूँ। ठीक, अपना ख्याल रखना, अपने पैर का ख्याल रखना। हाँ, तुझे किसी के साथ बांधने का टाइम है और मैंने अपने पैर बांधे हैं। बॉम्बे जाकर रोज मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है माँ, बच्चों बाय। साहब, मैं गाड़ी पार्क करके फाटम टिकट लेकर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही बॉम्बे चला जाऊंगा, तुम घर जाओ। ऑटो बेसन नगर चलना है। तु तु तुरु तुरु तुरु, दिल मचल रहा है, कभी कभी उछल रहा है, धिंताना धिंताना धिंताना। तुम्हें एक छोटी सी मदद करनी होगी, करोगी? ट्राई करूंगी, बात क्या है बोलिए। एक आदमी को नौकरी पे लगाना है। किसे लगाना है? मेरे साले साहब को। कहाँ पे लगाना है? यही पर, ड्राइवर की नौकरी के लिए। मेरा साला, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी उसकी तारीफ करो कम है, एक ड्राइवर है ना, डिक्की में बैठ के भी गाड़ी चला लेता है। माइकिन नहीं करोगी? हाँ भाई साहब, ने पहली बार गाड़ी खरीदी ना, मेरा साला गाड़ी नहीं चला सकता क्या? कम से कम मेरा मुंह तो देखना चाहिए उन्हें। साला एक कानी को ड्राइवर की नौकरी पर रखा है। मेरी बात सुनो, कानियों को गाड़ी से उतारो, मेरे साले को चढ़ाओ। तुम्हारी बात को भाई साहब टाल नहीं सकते, इतनी मदद कर दो। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, साले को छोड़ दो, मुझ पे तो तरस खाओ। तरस तो है, पर ये नहीं करूंगी। हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्यों? उस ड्राइवर की सिफारिश करने वाली मैं हूँ। हेलो रामनाथ जी, मैं हूँ पांडे। मैंने कहा मैं बिल्कुल समझा, मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ। ड्राइवर का मतलब बिना शरीर के हिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा साला गया काम से। आग। क्या सर, पान थूकना है? क्या कहा? नहीं, मैंने पूछा चीख थूकना है। हाँ थूकिए। कहाँ? वॉश मशीन में। थैंक यू। ओके, नो माई सन, वेलकम। लोफर, तुम तो मेरे घर के अंदर आ गए, मैं कल तुम्हारे घर जरूर जाऊंगी, देख लेना। वो सब छोड़ो, सुबह से शाम तक कहाँ थी पूछे तो क्या जवाब दोगे? मेरे घर में थी बोलोगी? मैंने कहा था ना कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करो, किया क्या तुमने? अरे रे रे रे, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। शादी कर ली क्या? कहाँ छू रही हो? कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन किए आज, फर्स्ट डे। कंप्यूटर यानी टीवी जैसा होता है ना, फोटो वोटो सब दिखता है उसमें। अरे सब देखा हुआ, कंप्यूटर शंप्यूटर। आते हुए मेरा माँ और साथ में मिर्ची की भाजी। मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ पापा। मैं ड्रॉप कर दूंगा बेटी। नहीं पापा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। देखो कॉलेज ही जाना है ना, ऐसे बात कर रही हो जैसे पहली बार ससुराल जा रही हो। कुछ लेट नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। रुपए। बाय पापा। बाय बेटी। आप जाइए। तुम जाओ ना। अच्छा ठीक है। चले साहब। We'll be right back.
तुम्हारी नानी के पाँव में चोट आई है ना? हाँ, उनका ख्याल रखने के लिए मैं नई आई हूँ, नर्स। तुम्हारा नाम क्या है? कल्याणी। आपको ये नर्स ड्रेस बहुत सूट करता है। डर गई क्या? आपकी ड्रेस अच्छी है, उसे इस तरह कह रही है। अच्छा, आप क्या इंजेक्शन लगाती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता। ए, अंदर जाओ तुम। कौन हो तुम? मैं कल्याणी हूँ, डॉक्टर बाला त्रिपुरा सुंदरी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। इसलिए जूती पहन के अंदर आओगी? ये क्या हॉस्पिटल है? हाँ, ये भी नहीं मालूम। कैसे नर्स हो तुम? शुरुआत ही ठीक नहीं है। ए, कोई अनजान आए तो घुल मिलकर बात करते हैं। जाओ अंदर जाकर पढ़ो, जाओ। पाँव में फ्रैक्चर बताया था, बिना लगड़ाए ठीक से चल रही है। आपका ख्याल रखना है। चुप, बहुत बोलती हो तुम। निर्मला मेरी समधिन है पगली, वही तो पेशेंट है, उसे नर्स का आना ही पसंद नहीं। वैसे तुम ज्यादा बात करती हो, तुम्हें शायद ही काम मिले। सीधे जाकर दाएं मुड़ो, जाओ। क्या इधर उधर देख रही हो? कौन है? गुड मॉर्निंग मैम, मैं कल्याणी हूँ। आपकी फैमिली डॉक्टर डॉक्टर बाला सुंदरी ने मुझे भेजा है। इतनी सुंदर दिखती हैं, आपका पाँव जाके टूट गया। तो दिखने में अगर अच्छा नहीं हो तो पैर तोड़ लेना चाहिए। क्या मस्का लगा रही हो? सुनो, मेरे बेटे ने और डॉक्टर ने कहा इसलिए तुम इस घर में नौकरी कर रही हो। हर पल एक नर्स साथ में रहेगी तो ऐसा लगेगा मैं बीमार हूँ। अच्छा, अब मुझे तंग मत करो, तुम बाहर जाओ, वहाँ एक चेयर में बैठ जाना, तुम्हें वहाँ खाना मिल जाएगा और महीने के अंत में तनख्वाह भी। जाओ। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? जाओ ना, डॉक्टर ने कहा और ये यहाँ आ गई। ये बैग कौन लेकर जाएगा? ये मेरी पहली नौकरी है, आपको खिलाने के लिए मिठाई लाई थी, खिला के चली जाऊंगी। आपको स्वीट पसंद है? लेकिन स्वीट ही मुझे पसंद नहीं करती, मुझे डायबिटीज है ना। कहने का मतलब है कि मेरे पूरे खून में ही शुगर है। ओहो, इसका मतलब है आपको स्वीट नहीं खानी चाहिए, मैंने गलती से आपको दे दी। करेक्ट, गलती से ही दिया है, लेकिन तुम्हें रोज देना होगा, तभी ही तुम्हारी यहाँ नौकरी पक्की। वो नौकरी में हो तब न देगी। क्यों बेटी, शुगर पेशेंट से स्वीट नहीं खाने मालूम है ना, कैसी नर्स हो? अरे रे, उसे मत डांटिए, मैंने ही उससे मंगवाया था, मुझे शुगर है, वो कैसे जान सकती है? जान लेना चाहिए, तभी नर्स कहलाती है। देखो बेटी, चाहे कोई भी स्वीट दे, अगर ये खाएगी तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझ गई? समझ गई सर, आज से इन्हें स्वीट नहीं दूंगी। पर आपको तो शुगर नहीं है ना, आप तो मीठा खा सकते हैं। हेलो या, यू आर राइट, जानकी वो कॉलेज गई है, शिल बी बैक इन द इवनिंग अराउंड 7:30। श्योर, आई टेल हर दैट यू हैव कॉल्ड, यू आर वेलकम। नमस्ते। कहाँ तक पढ़े? 10वीं पास हूँ। बात इंग्लिश में ऐसे की जैसे एम ए बी ए पढ़े हो? इंग्लिश में बात करने की इच्छा है, गलत ना बोलूँ इसलिए करस्पॉन्डेंस में सीख रहा हूँ। मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम? बिल्कुल नहीं सर। अगर झूठ पकड़ा गया तो समझ लेना, रामनाथ मैं आ रहा हूँ। उफ़ो, 5 बज गए। बजने दो, कॉलेज छूट जाएगा। छूटने दो, बस में बहुत भीड़ हो जाती है। ओके मैम, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ।
नर्स का ड्रेस कहाँ है? बदल दिया? बैग में है। बड़ा अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। इस तरह से झूठी नर्स बनने की क्या सजा है मालूम है? 6 महीने जेल की कैद। कौन है आप? के आर भारती के घर में नर्स बन के गई थी ना, उस जगह में मुझे होना चाहिए। मेरा नाम ही कल्याणी है, 16 साल से काम कर रही हूँ। डरो मत, कृष्णा ने उसके लव के बारे में बोला, इसीलिए मैंने अलाउ किया कि तुम वहाँ जाओ। और वैसे भी वो बाला तिरुप सुंदरी ने मुझे देखा नहीं, इसीलिए तुम बच गई हो। समझ गई हो, प्यार करना पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी बड़ा नर्स का काम पुण्य का काम है। इसलिए दिल से अपना काम पूरा करना, डेली बीपी चेक करना, पल्स चेक करना। पल्स का मतलब ये अपने दांत दिखाना नहीं है, पल्स चेक करना मतलब है नब्ज को चेक करना। और वैसे भी कोई डाउट हो तो आकर अस्पताल में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। पहले वो, हाँ, कुछ खुलकर बोलो। बगल में ड्राइवर बैठा है ना? अपना ड्राइवर है ना, परवाह नहीं, बोलो। के आर भारती आउट हो गया। के आर भारती की कैसेट रिवाइंड हो रही है। अगर इसी स्पीड में रिवाइंड होता रहा तो 1 साल में पॉज होके स्टॉप हो जाएगा। और एक बात, डॉक्टर बाला त्रिपुर सुंदरी मेडिकल फाउंडेशन है ना, उसको 1 लाख रुपया डोनेशन देकर पब्लिसिटी करके अपना नाम बूस्ट कर रहा हूँ। भारती छोड़ दूंगा, उसने 1 लाख रुपया दिया है ना, मैं 2 लाख रुपया दूंगा, ऐसा बोल के कमिट कर दिया। तुम, मैं बोलो तो मैं नहीं, आप अपने आप को अलग करके क्यों बोल रहे हैं? हमारे हाथ में 2 लाख रुपये कैश है, अभी जाके बाला त्रिपुर सुंदरी फाउंडेशन को दे देते हैं। त्रिपुर सुंदरी, नहीं नहीं, वो डॉक्टर सही नहीं है। तुमको किसने मिलने के लिए कहा? हम ही मिलने जा रहे हैं। ओहो, मालिक के लिए ही बोल रहा हूँ, डॉक्टर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर सफा वाली नहीं है, हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। हाथ और पांव दिखाने के लिए हम कोई बीमार है क्या? के आर म्यूजिक ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए डोनेशन देने जा रहे हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो? हॉस्पिटल में खून वून रहता है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे जाने दीजिए। खून देख के डर लग रहा है? तुम कार ड्राइव कर रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो गया, कार उधर पड़ी है, भाई साहब रास्ते के बीच में खून से लथपथ होकर मुंह टेढ़ा करके यूं पड़े हुए हैं, समझो। भाग्यवश मैं बाल बाल जिंदा बच गया, तब क्या करोगे? हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, यूं सोचकर भाई साहब को बीच रास्ते में छोड़ दोगे? क्या बोल रहा है ये? हे रामनाथ, माफ करना, छोटा हूँ बड़ी बात। ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, जहाँ कहा वहाँ चलो। साहब मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं यही कैंटीन में चाय पी रहा हूं। अच्छी, 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 अच्छी। यही डॉक्टर है? अच्छी। ये क्या, इनको ही जुकाम हो गया लगता है। अच्छी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, क्या प्रॉब्लम है? मैं रामनाथ। यही प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेरा नाम है, मैं पेशेंट नहीं हूँ। तो प्लीज बाहर चले जाइए। सोचा डोनेशन दे के जाएंगे। बैठिएगा ना। साहब है सीआर कन्ना, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, वैसे इनका परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। परिचय कराना पड़ेगा, 1 नहीं 2 बार परिचय कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, बाप रे बाप, आप मेंटल हैं? नो, भूलने की बीमारी है। तो ठीक है, आपके मेडिकल फाउंडेशन को 2 लाख डोनेशन देने आए हैं, अच्छे काम के लिए मत करने में पुण्य है ना। ऑफ कोर्स, आपकी तरह ही एक और म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर सुब्रमण्य भारती। के आर भारती, ये मेरा असिस्टेंट है। ओहो, इनको भी कुछ? नो, ही इज ऑल राइट। मिस्टर के आर भारती ने भी हमारे मेडिकल फाउंडेशन के लिए 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं चेक के रूप में। अकाउंट वालों को ही सिर्फ चेक नहीं देना चाहिए, अकाउंट में पैसा होने पर ही चेक देना चाहिए। सच, यही सच है। रामनाथ। क्यों डॉक्टर जी? हाँ? के आर जी का दिया हुआ चेक जिस रफ्तार से आया था उसी रफ्तार से वापस चला गया होगा। बैंक में डालेंगे तो ही तो पता चलेगा। क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? क्यों भाई, क्यों नहीं डाला? आप भूल गई ना, इसीलिए याद दिला रहा हूँ। 4 दिन से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ पे रख दिया। ये लीजिए के आर भारती का चेक। ओह, देखा आपने, आजकल मैं जो भी खोती हूँ ये उसे ढूंढ के बाहर निकाल लेता है, इसीलिए खोने से पहले इसे बता देती हूँ। वैसे ये चेक कहाँ मिला तुम्हें? एक पेशेंट को चेक के पीछे मेडिसिन लिखकर दे दिया था, वो लेकर सीधे फार्मेसी में चला गया। अच्छा समय था, वरना लाख रुपए का नवलजिन या क्रोसिन लेकर आ जाता। वक्त हो गया है मुझे आयनॉक्स थिएटर, नहीं ऑपरेशन थिएटर में जाना है। हम लोग भी थिएटर ही जा रहे हैं। आयनॉक्स थिएटर? रिकॉर्डिंग थिएटर। अब चलो ठीक है, आप जा सकती हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। चेक को संभालना। क्यों भाई, ये कैसा अन्याय हो रहा है? आजकल हमारे अस्पताल में डिसिप्लिन रहा ही नहीं है बिल्कुल, हर कोई बैठा हुआ ऑपरेशन थिएटर में चाय पी रहा है। ये कैंटीन है मैडम, ऑपरेशन थिएटर 2nd फ्लोर पे है, आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? सच कहा। हाय हाय कृष्णा, कब आए बॉम्बे से? आजकल कॉलेज में छुट्टियां हैं। आप आई, हाथ उठाकर मारा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको जानता हूँ क्या? आप कौन हैं? ए, मुझे उल्लू बनाने के लिए ही अनजान बन रहे हो ना? मुझे कौन समझकर आप बात कर रही हैं? भारती सर के बेटे कृष्णा ही हो ना? नहीं, मैं राम पांडे का बेटा श्याम पांडे हूँ। राम पांडे का बेटा श्याम पांडे, शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। वो बहुत कंफ्यूजन है।
ड्राइवर कहाँ जाके मर गया, इसलिए ऐसे वैसे को ड्राइवर नहीं रखना चाहिए। साहब जी, पैसे को बॉक्स में दिया तो बॉक्स को भी डोनेशन में ले लिया। मैं जरा पेटी देख के आऊं। पहले ड्राइवर को देखो। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। ड्राइवर के लिए मालिक को पहली बार वेट करते हुए देख रहा हूँ, कहाँ मर गया ये साला। चलिए साहब चलते हैं। रुको रुको रुको, कहाँ गए थे, क्यों लेट हुआ? लेट हो गया वो तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ गए थे? आपने क्या गाना बनाया है, साहब का गाना कैंटीन में बज रहा था इसलिए लेट हो गया। अरे तेरे मुंह में घी सककर मस्का लगाओ, लेकिन मस्के की फैक्ट्री मत लगाओ भाई साहब, को देर हो रही है, जल्दी करो, चलो गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। चिंता मत कीजिए, बस अभी पहुंच जाए। आज सच्चाई जाने बिना मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। नहीं मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है, बॉम्बे में पढ़ने वाला कृष्णा हमारे अस्पताल में कैसे आ सकता है, ये नहीं जानूंगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे आपको वहम हो गया, वो हमारे कैंटीन में आके चाय पीने लगा जबकि हम खुद ही नहीं जाते। तो ठीक है, कृष्णा यहाँ पे हुआ तो मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मानोगे ना? फॉलो मी। कृष्णा यहाँ नहीं है, बॉम्बे में ही है, यकीन नहीं मान रही ना? मैं डायल करके देती हूँ आपको, 022 बॉम्बे का कोड, जानती है ना? हाँ हाँ, रिंग हो रहा है। होने दीजिए, होगा तो आई उठाएगा ना। हेलो, बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट, यस, मैं कृष्णा से बात कर सकती हूँ? सच में मुंबई में है, सुनिए बात कर रही है। फर्स्ट ईयर MBA। और एक मिनट मैम। हाँ मैं वेट करूंगी। आपने बुलाया सर? तुम्हारा दोस्त कृष्णा का फोन है, वो ये नहीं ना रहेगा? हाँ यही है कृष्णा। हेलो 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 कृष्णा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। माँ अब आप कैसी हैं? हाँ मैं अच्छी हूँ, रुक रुक रुक, कोई बात करना चाहता है। कृष्णा बॉम्बे से, लीजिए। हेलो, मैं डॉक्टर बाला त्रिपुरा सुंदरी बोल रही हूँ। मैं भी बाजू में हूँ, बोलिए। डॉक्टर क्या हुआ आपको? ए कृष्णा, तू बॉम्बे से बोल रहा है या पास वाले कमरे के इंटरकॉम से बोल रहा है? हाँ ये बाथरूम है जी। मैं बॉम्बे में अपने कॉलेज से ही बोल रहा हूँ, आप चाहे तो हमारे प्रिंसिपल से बात कीजिए, वही आपको सच बता देंगे। कल मैंने अपने अस्पताल के कैंटीन में तेरे जैसा एक लड़का देखा, बिल्कुल तेरे जैसी हाइट, तेरा ही वेट, तेरा ही कम्प्लेक्शन, बिल्कुल तेरे जैसा था। जब मैंने नाम पूछा तो श्याम पांडे बोल के भाग गया। ए मुझे सच बता, कल तो हमारे अस्पताल नहीं आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप अपनी कमजोर याददाश्त की वजह से ऐसा समझ रही हैं। एक दिन देखिएगा, अपनी कमजोर याददाश्त के कारण किसी आदमी का अपेंडिक्स के बदले सिजेरियन करके उस मर्द के पेट में बच्चा ढूंढ रही होंगी। उंगली दर्द हो रही, छी हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ रख दूं, माने मैं आप फोन रख दूं? ठीक है। कल यकीनन कृष्णा को मैंने अपने अस्पताल में देखा था, लेकिन आज वो बॉम्बे में। बॉम्बे अस्पताल में देखा तो? ये कौन है? मैंने आपसे कहा था ना नर्स कल्याणी को भेजूंगी, आपने जल्दबाजी में दूसरी नर्स क्यों रख ली? अरे रे, आपने जिसको भेजा वही नर्स है ये, कल्याणी। ओह एक्चुअली हमारे अस्पताल में बहुत सारी नर्सेस हैं, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। इस लड़की की आवाज़ सुनी है पर शक्ल आज तक नहीं देखी। देख के याद रखेगी, बहुत बड़ी याददाश्त है। मैं चलती हूँ। ओके ओके ओके, वायर नहीं होता है ना साहब। आज कंपोजिंग है या रिकॉर्डिंग? AVM लेके चलो। जीजा जी, लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं बताइए। ये भी स्टूडियो चलो। हम जहां गाड़ी खड़ी करते हैं वहां कौन खड़ी किया? सीआर खन्ना जीजा। 20 सालों से हम वहां गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, वहां क्यों खड़ी किया वो? चर्बी चढ़ गई है, चर्बी। उसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं। कौन है उसका ड्राइवर? ए ड्राइवर, ए ड्राइवर, जीजा जी बुला रहे, सुनाई नहीं दिया? कृष्णा पापा, तुम यहाँ कैसे? समझ गया, ड्राइवर को बुलाया तो बॉम्बे में रहने वाले यहाँ कैसे यही सोच रहे हैं ना? मत सोचिए, मैं खुद बताता हूँ। मद्रास ITI में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रोफेसर ने बुलाया, इसलिए। चेन्नई में आए हो, समझ में आया, AVM स्टूडियो क्यों आया? पापा से मिलने मामा। लेकिन ये बताओ मुंबई से कैसे आया? ये कैसा सवाल है, ट्रेन से आया। दोपहर में तो मुंबई से फोन किया था ना? फोन? हाँ किया था ना, माँ ने बताया क्या? फोन किया तो ट्रेन से कैसे आ सकता हूँ, फ्लाइट से आया। फिर ट्रेन से आया क्यों बताया? ट्रेन में टिकट नहीं मिली इसलिए फ्लाइट से आना पड़ा मामा। पापा अब मैं चलता हूँ, आज रात को बॉम्बे में रहना है, फ्लाइट के लिए टाइम हो रहा है, चलता हूँ पापा। रुको बेटे, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं पापा, मैं खुद को ड्रॉप कर लूंगा। कार से टीन वाला कैसेट लेके आना। पता नहीं उसने कार कहाँ, समझ गया, मैं अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा। उससे पहले एक छोटा सा काम है, तुम अंदर जाकर रामनाथ को बुला के लाओ। अरे उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे टाइम हो रहा है पापा। अरे ऐसी बात नहीं, उसने मेरी इंसल्ट की है। लेट हो रहा है, जल्दी चलिए पापा। जाने दीजिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम निपट लेंगे ना। आज के बाद रामनाथ की कार यहाँ पर खड़ी नहीं रहनी चाहिए, हमारी कार सोलो में खड़ी रहेगी। भाई जी, पांडे चला गया क्या? KR की गाड़ी चला रहा था, शायद वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी कर लियो। क्या सोच रहे हैं, कैसे घर जाएंगे? मुझे भी वही चिंता है, दोनों को गाड़ी चलाना नहीं आता। नहीं, गाड़ी चलाना नहीं आता बोला। डॉक्टर
कार जाम हो गई, अब एक इंच भी नहीं हिलेगी। मैं मैकेनिक को बुलाकर इलाज करवाता हूँ। आपकी कार है। कृष्णा गाड़ी रोको। क्यों पापा कार रोकने के लिए बोले? गाड़ी रिवर्स लो। रिवर्स जाकर फिर उस रामनाथ से मिलना है क्या? अरे नहीं, पीछे हमारी डॉक्टर खड़ी है। पीछे माने डिकी में क्या? मजाक कर रहे हो? लगता है गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है और वो पीछे खड़े हैं। पता नहीं क्या हो गया है, पूछना तो चाहिए ना। पापा फ्लाइट का टाइम हो गया, एयरपोर्ट चलते हैं। से अच्छा मैं ऑटो में चल जाता हूँ। फ्लाइट फ्लाइट बोल के चिल्ला रहा है, फ्लाइट के लिए अभी एक घंटा बाकी है। मैं तुम्हें फ्लाइट पे चढ़ाऊंगा, चलो रिवर्स लो। हेलो केआरबी सर। क्या हुआ डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी रिपेयर हो गई। हाय कृष्णा। अरे अरे कृष्णा, तू यहाँ पे कब आया? बहुत कंफ्यूजन है। क्या हुआ डॉक्टर, आप ऐसे ही बात करती हैं तो कंफ्यूजन होता है। अब आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ सर, आज दोपहर कृष्णा से मैंने बॉम्बे में फोन पे बात की थी। ओ, तो आपने भी बात किया? क्या कहा? मैंने भी बात किया, मजाक कर रहा है क्या? एसटीडी कॉल पे हम दोनों ने बात की थी ना। आपके फोन करते वक्त बॉम्बे से मद्रास आने के टेंशन में था, अब मद्रास से बॉम्बे जाने के टेंशन में हूँ। मुझे छोड़िए। अब ये बता, कल तू कहाँ पे था? डॉक्टर ये कैसा सवाल है, बॉम्बे में था। ए, कल तू मेरे अस्पताल नहीं आया था? वो श्याम पांडे होगा। ओ। अब तू मुझसे बुरी तरह फंस गया। कल जो मेरे अस्पताल आया था वो श्याम पांडे था, ये बात तुझे कैसे पता? आपने ही बोला ना। मैंने बोला? हाँ जी, मेरी याददाश्त की आप जैसी कमजोर है। कल आपने ही फोन पर मुझ जैसे एक आदमी से हॉस्पिटल में मिली जिसका नाम श्याम पांडे है कहा था ना, और इतनी जल्दी भूल गयी। ओफ ओफ ओफ, इस बात को यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ डॉक्टर, बॉम्बे पहुंचकर फिर फोन करूंगा। बाय बाय डॉक्टर। ए ड्राइवर आया तो उसे काम से निकाल दो। वापस आएगा जब उसे नौकरी से निकालेंगे ना, वो तो केयर के पास। मुझे माफ कर दीजिए साहब। ए उठो, क्या है? जरा मेरी बात सुनिए साहब। ओवर एक्टिंग छोड़ो, पहले हमें घर पे छोड़ो, बाद में नौकरी छोड़ो। कई बार मैंने बोला, फिर भी वो WRB। WRB नहीं, KRB। देखा, उनका नाम भी मुझे याद नहीं। मैं उनसे मिलूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया? मुझे 10,000 पगार देंगे बोला, फिर भी मैंने। लगता है पगला गया, सारी जायदाद आगे चल के उसके नाम में लिख देगा। मैं माना नहीं, अपनी बड़ाई खुद कर रहा था कि बॉम्बे जाकर म्यूजिक दे रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। साहब की कार का स्टीयरिंग पकड़ने के बाद मैं किसी और के लिए काम नहीं करता बोल दिया। ठीक है गाड़ी ले लिया। ए पांडे गाड़ी रोको। किस लिए? भैया हमने 2,00,000 रुपए उस डॉक्टर को दिए थे ना, वो वहाँ पर खड़ी है, लगता है गाड़ी रिपेयर है, जाके देखते हैं। ए बंडी रिवर्स। साहब मैंने पहले कहा था ना, हॉस्पिटल के नाम से मुझे एलर्जी। अरे काहे की एलर्जी? हनुमान ने जैसे हाथ में संजीवी पर्वत रखा था, उस तरह डॉक्टर के हाथ में हॉस्पिटल लेके घूम रही है। पीछे जाओ, गाड़ी पीछे लेना। अरे ठीक है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, डॉक्टर को पेशेंट मत बना देना। ये क्या इस तरह सड़क पे खड़ी है? कोई खास बात नहीं, घर जा रही थी, अचानक गाड़ी रिपेयर हो गई, बालाजी मैकेनिक लेने गया है। तब आप हमारी गाड़ी चलिए, हम छोड़ देंगे। बार बार तुम ही मिल रहे हो। ये क्या बार बार, आज इसने ड्यूटी ज्वाइन की हमारे यहाँ। क्या कहा, ये नौकरी कर रहा है? अरे रे, ये क्या हर बात पे आप चकित हो रही है? व्हाट, तुम ड्राइवर हो? ऐसे अनजान बन के मेरी तरफ देख रहे हो जैसे कि ये पूछने वाले हो कि मैं कौन हूँ। आप कौन हैं? अरे रे, आखिर मैं कौन हूँ पूछ लिया? अरे डॉक्टर साहिबा, आपके याददाश्त के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मुझे अब याद दिलाना पड़ेगा कि वो कौन है। आप क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ, ये KRB का। करेक्ट, KRB के साथ झगड़ा करके आ गया है। अगर वो सारी जायदाद भी इसके नाम पे लिख देगा तो भी वो नहीं जाएगा वहाँ। ये कैसी बकवास कर रहा है, बहुत कंफ्यूज कर रहा है। कुछ समझ पा रही हूँ, कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ, पहले से स्टार्ट करती हूँ। ए बॉम्बे का क्या हुआ? मुंबई में बदल गया। बॉम्बे का क्या हुआ है? वो मैं क्या बोलूँ? रुको, मैं बोलता हूँ। KRB के घर वाले उसका म्यूजिक लाइक नहीं करते हैं, ऊपर से बॉम्बे जाके म्यूजिक दे के आ रहे हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं। ये KRB CRB का झगड़ा बाद में रख लेना। दरअसल मैं क्या पूछने वाली थी, ड्राइवर के बारे में ना, वो कहाँ जाएगा बाद में बात कर लीजिएगा, अभी टाइम हो रहा है, हम चलते हैं। हाँ। पांडे गाड़ी स्टार्ट कर। एक मिनट, इनका नाम आपने रामनाथ बताया था, अचानक पांडे कह रहे हैं। मेरा नाम रामनाथ है, पांडे नहीं है, पांडे वो है। ये पांडे है? पांडे नहीं तो क्या पानी भरने के हांडे हैं, कोई भी बात को आप चकित हो जाती है। चलिए जी, ठीक है मैं चलता हूँ। और थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते तो घर के बजाय हम इंटरेस्ट पर जाते हैं। माल और मिर्ची का भजिया है, अभी भी मिर्ची का भजिया खाया नहीं, उसको बोल रहे हैं। मिर्ची वाली सीसी नहीं है भैया, कुछ आफत वाली सीसी है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर बालक त्रिपुरा सुंदरी है। मैंने कहा ना, बोला आप ना नहीं भी बोलेंगे तो अभी मेरा वही नाम है। मुझे आपके घर के ड्राइवर से मिलना है। उसको क्यों मिलना है? मैं तो मिल चुकी हूँ, पर इसे मिलना है। ओ, ये आपके पेशेंट है क्या? मेरी भेजी हुई नर्स कल्याणी है। कल्याणी, स्टॉप। हाय, कैसी हो कल्याणी? उनके पाँव का ठीक से ख्याल रख रही हो ना? दवा टाइम पे दे रही हो ना? KR भारती क्या रहने वाली नर्स CR खन्ना की क्या कर रही है? तू नर्स कल्याणी है ना? मैं नर्स नहीं हूँ ना, मैं कल्याणी हूँ, मेरा नाम जानकी है। बड़े ताव से कृष्णा से मिलने आई थी,
कृष्णा नहीं था, मैं जीत गया। क्यों डॉक्टर खामोश है? कृष्णा से ना मिलने का दुख है क्या? कृष्णा की प्रॉब्लम पुरानी है, वो तो मैं समझ सकती हूँ, पर अब एक नई प्रॉब्लम है कल्याणी नर्स की। तो नई प्रॉब्लम क्या है? जानकी को देखा। ये कौन है जानकी? सीआर खन्ना की बेटी। बहुत हो गया, बस कीजिए। पहले कृष्णा को देखा, बाद में पांडे को देखा, बाद में नर्स कल्याणी को देखा, अब जानकी को देखा। जरूरी किसे देखना है जानती है? डॉक्टर को, एक पागलों की डॉक्टर को। गाड़ी कहाँ ले चलूं, थाना या आगरा?
राही करतन वाली अप्सरा, अरे बोल मुझसे प्यार कब हुआ, अरे बोल मुझसे प्यार कब हुआ, बोलो ना, अरे बोलो ना, सरा बोलो ना। मिली थी जब तुमसे सनम, मेरा होश उड़ गया था सनम, मुझे प्यार कब आया पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। डिजाइन अच्छी है लेकिन दाम ज्यादा है। आपसे हमने कब पैसे मांगे, आपके लिए सब कुछ सब पैक करो, इन्होंने बोल दिया ना। इतने सारे जेवर इकट्ठा किए हैं, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फ्री में मिला। फ्री मिले? तुम्हें किसने दिए? के ज्वेलर्स। किस लिए? बिना कारण वो देगा क्या? उसकी एक लड़की है, उसकी कृष्णा से शादी करना चाहता है वो। बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा है ना, पढ़ा लिखा है, उसकी शादी कराना मेरी जिम्मेदारी है ना, इसीलिए सेब भर रही हूँ गहनों से। ये गलत है ना माँ? क्या गलत है? लूट मार तो नहीं कर रही हूँ मैं, राजनेता जी से रिश्वत ले रही हूँ, क्या ये गलत है? साहब एवीएम चलना है ना? नहीं भैया, के ज्वेलरी जाना है, टी नगर में है ना? हाँ जानता हूँ मैडम। पहले जानकी के पास ले चलो, उसे भी साथ ले चलेंगे। वो किस लिए? गहने लेने जो जा रहे हैं उसे अपनी क्लास अटेंड करने दीजिए ना। जरा सुनो, लंच टाइम है ना, साथ ले जाएंगे फिर ड्रॉप कर देंगे। साहब छोटी मैम का कॉलेज शास्त्री नगर और एके ज्वेलर्स बाजार में है, यहाँ से जानकी मैम को ले जाकर वापस छोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। ए मुझे मालूम है, तुम चलो। मतलब कॉलेज ही जाना है? जानकी के कॉलेज चलो। रोका क्यों? गाड़ी क्यों रुक गई भैया? शायद छोटी मैडम के कॉलेज जाना इस गाड़ी को भी पसंद नहीं। बात कर उतर के देख। जी साहब। अभी तो गाड़ी सर्विस के लिए दी थी, फिर भी गाड़ी खराब कैसे हुई? साहब क्या खराबी है पता नहीं, नर्स को माने मैकेनिक को फोन कर आता हूँ। कंसीडर मैडम फोन। तो मैंने क्या टीवी कहा, फोन बज रहा है, मैंने उठा सकते, तुम जाओ। कॉम्प ऑफ की स्पेलिंग बताओ। हेलो हेलो जानकी, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। बॉम्बे से दाऊद? अरे नहीं, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप यहाँ गाड़ी में मेरे सामने बैठे हैं। क्या नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जल्दी ही अपने कॉलेज पहुँचो, हम लोग वहाँ तुम्हें लेने के लिए पहुँच ही रहे हैं। फिर से क्या मत पूछो, तुम जल्दी वहाँ से निकलो और 10-15 मिनट में अपने कॉलेज पहुँचो, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। ओके बाय। कितना हुआ जानकी? ओ 1 रुपए, ये लीजिए, देखा चेंज रखे हुआ। साहब 5 मिनट में मैकेनिक आ जाएगा फिर हम चलेंगे। OUND, तुम्हारे लिए फोन था, कौन था? क्यों रो रही हो? दादी मर गई, बहुत छोटी उम्र थी उनकी। तुम्हारी दादी है फिर छोटी उम्र कैसे? नहीं, मेरी छोटी उम्र में वो गुजर गई। ठीक है ठीक है, ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा, तुम जाओ। COM मैडम मैं जा रही हूँ। क्यों ये लड़की रोती हुई जा रही है? ओ उसकी बेचारी दादी गुजर गई। बेचारी छोटी उम्र में गुजर गई। तुम लोग देखने जा रहे हो? अरे क्या कह रही, घर पर ही मैं चल नहीं पाती हूँ तो वहाँ कैसे जाऊँगी। अच्छा मैं होके आती हूँ। मैं ही नहीं जा रही हूँ तो फिर उसके घर आप क्यों जा रही हैं? उसके घर मैं के ज्वेलरी जा रही हूँ। साड़ी खरीदने में तुम्हारी माँ को 1 दिन पूरे लग जाते हैं, ये गहने की दुकान है पता नहीं। हाँ बोलो। ऑटोग्राफ प्लीज सर। ठीक है तुम जाके सेलेक्ट करो, मैं यहीं हूँ। ठीक है जी चल। गार्नेट बैंगल्स मिलेगी ये नहीं पूछते हैं। अरे रे, अरे इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? मैडम ये लीजिए ब्रीफकेस, मैं कार पार्किंग में छोड़कर आता हूँ। अच्छा सुनो, उस मैडम को देखो ये इस तरह से क्यों चिल्लाई। किनको? वही मैडम जिसने नीली साड़ी। अरे रे रे, अरे रे रे, अब इसको क्या हो गया, यूं क्यों चिल्ला रहा है? वो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल है इसलिए। कॉलेज के प्रिंसिपल को देखकर तू क्यों इस तरह डरेगी, कोई गलती की है क्या? देखो मम्मी, अचानक बीच क्लास में गहने खरीदने के बुला लिया, दादी मर गई ऐसा झूठ बोल के मैं यहाँ पे आई हूँ। बस इतना ही ना, मैं सब संभाल लूंगी, जाकर उन्हें विश करो। हेलो मैम।
अरे रे, मुझे देख के आप क्यों अरे रे कह रही हैं? दादी मर गई बोल के तुमने छुट्टी ले ली और ज्वेलरी शॉप में हो, उसके लिए अरे रे कहा? मैं गहने ज्यादा खरीद रही हूँ इसलिए तुमने अरे रे कहा? वो कौन है? फ्रेंड की मम्मी है। तुम्हारे साथ माँ क्यों नहीं आई? ये कैसा सवाल है, मैंने क्या कहा? दादी मर गई है, दादी कौन हुई? पापा की मम्मी। सो मम्मी बैठ के घर पे रो रही हैं, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं अपनी फ्रेंड की मम्मी के साथ आई हूँ। इनफैक्ट ये भी मेरी मम्मी जैसी है। मम्मी? मम्मी जैसे मतलब? मम्मी जैसी तो क्या के नहीं पुकार सकती हूँ ना। नमस्ते, मैंने ही उसे कहा था कि लीव ले लो इसीलिए। जानती हूँ, दादी मर गई, अभी अभी बोल रही थी। मुझे भी अभी बताया। दादी गुजर गई है फिर भी यहाँ क्यों आई है ऐसा आप जरूर पूछेंगी? नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। आप नहीं पूछेंगी तो भी हम बताएंगे, यही तो हमारा फर्ज है ना। मैडम, मुझे पालने वाली मेरी दादी मर गई, उनके लिए चांदी का दिया खरीदने के लिए आई हूँ। उसने तुमसे पूछा क्या? नहीं मांगा, फिर भी कुछ संस्कार होते हैं, अगर आप मरेंगी तो अभी रखेंगे, मैं मरूंगी तो अभी रखेंगे। वो छोड़िए मैडम, लड़की कैसी है? लड़की यानी? मैडम मेरे बारे में। ओ, ये लड़की बहुत अच्छी है, टाइम पर ड्यूटी करती है। कैसी ड्यूटी? ड्यूटी मतलब फर्ज, अब जैसे ड्राइवर का कार चलाना फर्ज होता है। देखा, ड्राइवर का नाम लिया तो याद आया, जाकर ड्राइवर को बुला। जाने की क्या किया, अब ड्राइवर का नाम ले लिया तो उसका मतलब है कि उसे यहाँ पे बुला लाऊं? नर्स की ड्यूटी है कि वो पेशेंट्स का ख्याल रखे, स्टूडेंट्स की ड्यूटी है कि वो पढ़ाई करे, हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है। अच्छा वो छोड़, मैडम लड़की पढ़ने में कैसी है? ड्यूटी में परफेक्ट है। हाँ, हमेशा ड्यूटी के बारे में ही बात कर रही है, उससे आगे भी तो कुछ कही। ड्यूटी के बाद डिग्निटी या डिसिप्लिन है? अरे वो नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पिछले हफ्ते उसने टेस्ट ठीक तरह नहीं लिखा, उसके बारे में। टेस्ट तो बराबर कर रही है, उसके बाद ठीक है कि नहीं बोलेंगे डॉक्टर। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर का नाम लेते ही डॉक्टर ही आ रहे हैं। आइए डॉक्टर, यहाँ कैसे? जिंदगी में पहली बार जेवर खरीदने के लिए सही दुकान में आई है, यहाँ कैसे पूछकर इन्हें कंफ्यूज मत कीजिए। तू डॉक्टर को जानती है? ये कहीं पे कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर आप इन्हें जानती हैं? जानती हूँ ना, तू लड़की है या नर्स है? नर्स बोले तो लड़की, कंपाउंडर बोले तो लड़का, जैसा मैं हूँ। चुप रहे, कंफ्यूज मत कर, तू कल्याणी है ना? डॉक्टर ये जानकी है। जानकी? मैं समझाती हूँ, घर पे जानकी बाहर कल्याणी, जैसे घर पे राम और बाहर कृष्ण, यही ना? गड़बड़ है। आप इन्हें जानती हैं? किसे? मेरी बेटी जहाँ पढ़ती है उस कॉलेज की प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहा? के आर भारती की समधन है ये, ऊपर से 8वीं क्लास फेल है, इन्हें जाके प्रिंसिपल कह रही है। मैंने कहा कहीं पे कुछ गड़बड़ है। मैं पढ़ हूं, 8वीं क्लास फेल हूं, औरतों के सामने मुझे क्यों बदनाम कर रही है? जब भी आप कुछ मांगती है तो बिना पैसे लिए हम दे देते हैं, ये तो आप भी जानती है ना। जानती हूँ। वो शुभ समाचार में नहीं बोली क्या? नहीं बताया, जल्दी बताइए। तुम्हारे दिए गहनों का अच्छा फल मिला, क्यार भारती आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए राजी हो गए। अगले बुधवार को घर आइए, शादी की बात तय करेंगे। बहुत संतुष्ट हुआ। मतलब मेरी बेटी और आपके बेटे का रिश्ता आपको मंजूर है? ये कैसी बात कर रहे हैं? मंजूर है, इसीलिए तो मैंने इनसे कहलवा भेजा, क्यों आपने नहीं कहा? हाँ, मैंने बताया था। लड़की का बाप जो सोचा पर्सनली जाके बात करता हूँ। इसलिए बहुत खुशी की बात है, मैं भी बिजी हूँ, इसने भी अपना पैर तोड़ लिया है। इस संबंध के लिए हमारी समदिन ने बहुत ही मेहनत उठाई है, चाहे आप हो या मैं हूँ, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम लोगों ने पहले से बहुत थैंक्स कह दिए है ना? वो नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई बगैर किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। हाँ हाँ, बिना किसी मांग किए, ठीक कहा ना। पहले से हम बहुत शुक्रिया अदा कर चुके हैं और भविष्य में भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इनके बारे में नहीं बताया आपने? भैया नाम कन्हैया, मेरा बिजनेस पार्टनर है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा खुशी इसको हो रही है और कुछ नहीं। ठीक कहा, इस शादी के वजह से आपका बेटा और बड़े भाई साहब की बेटी ही मिलने वाले नहीं है, एक और संबंध बनेगा। आपके और खन्ना साहब के बारे में कहा, खन्ना साहब का मेरे ससुराल से अच्छा संबंध है, एक बार ये शादी हो जाए तो आप दोनों संबंधी हो जाएंगे ना, क्या कहते हैं? और नहीं तो क्या, बाद में सारे फ्लैशबैक शादी की धमाल में उड़ जाएंगे, फिर दोनों मिलके म्यूजिक देंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? एआर भारती के घर में शादी और सीआर कन्नन का म्यूजिक बिना सुने कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ एक और बात, दोनों संबंधी होने वाले हैं इसके लिए मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं, बुरा मत मानना। एआर कन्नन भी अच्छी म्यूजिक बजा लेते हैं, लेकिन आप दोनों ने मिलकर जो म्यूजिक बजाई भारती कन्नन, क्या ट्यून थी साहब, क्या बताऊं मैं। जिस किसी का भी संबंध खन्ना से, मुझसे संबंध नहीं रखना चाहता। अगर आपको दुख हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं। सुनिए समझे, आपने नेक विचारों से ये संबंध जोड़ा, लेकिन
जब भी मैं खन्ना का नाम सुनता हूं तो मेरे बदन में आग लगती है। अगर कहीं संबंध देखेंगे तो पहले ये जान लीजिए कि खन्ना का उस खानदान से कोई संबंध तो नहीं है। शादी तो रुक गई, हमने जो गहने दिए वो वापस ले लें? एक नहीं, दो नहीं, 300 तोले दिए हैं। क्यों रे, सारे गहने काले पैसे से लिए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फंसा दें क्या? राम कुमार फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जानकी फ्रॉम एनफोर्समेंट डायरेक्टर। नमस्ते सर, आपके बारे में जो कंप्लेन मिली है उसके बारे में कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। हम चाहते हैं कि आप कॉपरेट करें हमारे साथ। क्यों नहीं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से टैक्स भरता हूँ। सर, इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिटेल। कौन सी प्रॉपर्टी? नीलगिरी में कुछ। अगर आप मेहरबानी से 5 मिनट के लिए इंतजार करेंगे तो मेरा ऑडिटर आ जाएगा। मैडम, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों में से मैं एक हूँ। हम इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं सर, बट वी आर आंसरेबल टू सर्टेन पीपल। मैं बहुत ईमानदार हूँ। जानते हैं सर, पर आपने जितनी भी ब्लैक मनी है उसके गहने वगैरह खरीद के कहीं छुपा रखे, ये हमारे डिपार्टमेंट को खबर लगी है, उसी लिए हम आए। मेरे पास गहने? आपको गलत खबर मिली है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये बात मशहूर है कि मेरी वाइफ बहुत कम गहने पहनती है। आपके बारे में हम जानते हैं सर। ठीक है सर, पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है। जानता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए आप यहाँ आए। मैं आपको फुल कोऑपरेशन दूंगा। केके ज्वेलर से बहुत सोना लिया, बात खुल गई तो हमारी इज्जत तो जाएगी ही, इनके भीतर चली जाएगी। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने कहा भी था, फिर भी आप सुनी नहीं। गहने छुपाने का कोई रास्ता तो बताओ। पंद्रह दिन छुट्टी मिल गए। क्यों साहब, इनकम टैक्स का रेड है, दफा हो जा। कितना केश, कितने जेवर मिला है, सिनेमा वाले है ना? ए, जाकर अपना काम करो। सर, यही मेरा काम है, मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी पत्रिका के लिए। ए, सेक्रेटरी, क्या मुँह देख रहे हो? चल रहे। एक चूहे से शेर को धमका रहे हो? ए, अरे बोलने तो सुनता नहीं। अबे रुकिए, मैं अभी टेंशन देता हूँ, अभी टेंशन देता हूँ। अब हम क्या करेंगे माँ? ये इनकम टैक्स वालों की रेड है, घर का कोना कोना ढूंढेंगे। अच्छा, गहने रखे कहाँ है? अपनी ही अलमारी में। आज नहीं बचेंगे। इसकी चाबी कहाँ है? अलमारी के ऊपर है। छापे में कितने सूटकेस मिले सर? सर बताते तो जाइए सर, बोलिए ना, बोलिए बोलिए सर। कुछ नहीं मिला। गहने कहाँ गए? कुछ पता नहीं माँ। तुम्हारे पास कैसे? अगर ये मेरे पास नहीं होते तो इस वक्त आप लोग पुलिस में होते। मैंने बहुत बड़ी गलती की, समधी जी कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अब उनका सम्मान। मुझे बहुत सम्मान देके आपने अपने घर में रखा, मैं तुच्छ गहनों की लालसा कर रही थी। बड़ी होकर आप मुझसे? बड़ी होने के नाते मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें मन चाहा वर मिले। हेलो, एडिटर साहब, क्या मैं सुधाकर बोल रहा हूँ सर? केआरबी के बंगले में छापा पड़ा है साहब, मगर कोई ब्लैक मनी नहीं मिला है। अब मैं क्या करूँ साहब?
एक काम करो, सीधे ऑफिस से आकर अपना रिजाइनमेंट लेटर दे दो। ओके साहब। अरे फिर क्या है कि आरबी के घर में कुछ नहीं मिला तो तू वापस आएगा? इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म करो, के आरबी रुई है तो सी आर खन्ना आग है, वहां जाकर कुछ मैटर मिले देख। ओके साहब। जैकपॉट का चांस है। आओ आओ बैठो। मैं फिल्मी पत्रकार हूँ। मैंने कब ना कहा? ऐसी बात नहीं दादाजी, सी आर खन्ना साहब का इंटरव्यू लेना है। ये मुश्किल है। क्यों, घर में नहीं है? हारमोनियम भी है फिर भी बोल रहे नहीं है? आदमी हो तो फौरन इंटरव्यू दे देना चाहिए क्या? सुनो भाई, अभी तुम जाओ, कल आना, अभी वो अपने पर्सनल काम में बिजी है। इंटरव्यू देने का मूड नहीं है? ऐसा क्या पर्सनल काम हो रहा है भाई? सोना पर्सनल काम नहीं होता है क्या? इस वक्त सो रहे हैं, इस उम्र में क्यों झूठ बोल रहे हैं? भाई मैंने काफी भी नहीं दी और तुम बोल रहे हो जासा जा रहा हूं मैं। देखिए दादाजी, मुझे कॉफी ऑफी नहीं चाहिए, मुझे इंटरव्यू चाहिए। बगैर इंटरव्यू के मैं यहां से हिलने वाला नहीं। मैं बताना नहीं चाहता पर तुम मजबूर कर रहे हो। वो दारू पी रहा है यार। वो नशे में खा के इंटरव्यू देगा, मंजिल बकेगा। अभी तुम जाओ, कल आना। अच्छा दादाजी। ये अखबार पढ़ा? मैं दारूबाजू लिखा है, इसे पढ़ के सभी मुझे फोन कर रहे हैं। तुम्हारे अच्छे के लिए कहा, तुम्हारे अच्छे के लिए कहा, सब कुछ कन्विंस किया, चाहिए मुझे, अपमान हो गया। क्या जी, आप ही पेपर वाले ऐसे ही लिखते हैं? आप ही क्या पी रहे हैं? दुनिया में क्या और कोई पीता नहीं? हाँ, बाकी लोग और मेरे में कुछ फर्क ही नहीं है। मुझे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता। उसी बात को लेकर सब मुझे दारूबाज कहते हैं कि नहीं? अभी नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर हूँ ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसने लिख दिया तो क्या मेरी दुकान चली जाएगी? वो सब तो खैर बात की बात है, लेकिन इस खबर के बारे में इस घर से ही किसी न किसी ने छपवाया है। कैसा लगेगा मुझे? कौन है, कौन है वो, मुझे जानना है। खबर किसने दी, अभी आप ही बताओगे या मैं पत्रकार को बुलवाऊं? साहब, लाख समझाने पर भी वो रिपोर्टर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसे भेजने के लिए मैंने आप पिए हुए हैं ये कह दिया। काम से निकल के भेज दो, वो यहां नहीं रहना चाहिए। पहले घर से बाहर जाने कहो, मेरी आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए। तेरे पापा शराब पिराए करके मैंने अखबार वाले को बक दिया था। तेरे पापा गुस्से वाला है ना, उसको बताने से डर रहा था मैं। इतने में ड्राइवर का बच्चा आदम का, और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अखबार वाले को बताया। क्या करूं? आ बैठ। अब वो कहाँ है कुछ पता है? मुझे क्या मालूम बेटी, तुम चलो भैया। राम 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 राम। कौन मर गया? मुझसे पहले इस परिवार में मरने वाला कौन है? किसका है बेटी? मेरी नौकरी चली गई तो क्या हुआ, बाहर रहकर भी मैं तुम्हारे पापा का दिल जीत सकता हूँ। कल फिल्म फेयर फंक्शन है, याद है ना? नदी अरे है ब्रह्म बुद्धिशाली, भर में हूँ
पहले ही तीन चीयर्स हो गए, अब तीसरा राउंड किस लिए? आप दोनों की कॉम्बिनेशन में आई हुई तीनों फिल्में 100 डेज चली है, अलग अलग चीयर्स कहने के बजाय होलसेल में इतनी चीयर्स कह दिया। डायरेक्टर सर, हाँ बोलिए। आपने पिछली दो फिल्मों की पार्टी नहीं दी, वही कह रहा है ये। यही तो सही वक्त है मिस्टर रामनाथ, पिक्चर चली तो 3 चीयर्स, नहीं तो 3 टीयर्स। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं नशे में बोल रहा हूँ ये मत समझना, दिल से बोल रहा हूँ मैं। इस फिल्म के हिट होने की अगर कोई खास वजह है तो वो है आपका म्यूजिक। सीधा क्यों नहीं कहते कि म्यूजिक ही उसका मुख्य कारण है? दो घुट अंदर उतर गए ना, आप सच सच बता दीजिए, पिक्चर के पूरे 100 दिन चलने के पीछे म्यूजिक डायरेक्टर का ही हाथ है। बिना हेजिटेशन के हाँ बोल दीजिए ना। आपका असिस्टेंट पी कर बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है। मानता हूँ तुम्हारे असिस्टेंट बिना पिए ही बकवास करते हैं। अरे रुकना, ये कुछ कहना चाह रहा है। हाँ बोलो भाई। पुरानी फिल्म हरिदास सुहाग को देखिए, वो फिल्में गाने पर चली होती तो मैं मान लेता, फिर आप कहते सर ये कि अनारकली और मुगले आजम की बातें अभी भी कर रहे हैं।
मतलब ये पिक्चर हिट होने के पीछे हमारे साहब के गाने नहीं है कह रहे हैं? ऐसा कब बोला? गाना कारण होता है मैं मानता हूँ, गाना ही कारण है आप बोलते हैं। वही क्या, पूरी इंडस्ट्री बोल रही है। पूरी इंडस्ट्री नहीं, आपके साथ रहने वाले लोग, वो आपको चढ़ा के गिरा देंगे। उदाहरण में अपनी फिल्म देखिए, 5 गाने हैं, पूरी 2 रील, बाकी 12 रील, बाकी 12 रील को दर्शक दिलचस्पी से देखें इसलिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन की जरूरत है। मजाक है? तो बाकी 2 रील भी कथा, स्टोरी, स्क्रीन प्ले में निकाल देता। गीत किस लिए? किसने कहा गीत के बिना कोई पिक्चर होती है क्या? अरे फिल्म में गीत है तभी तो फिल्म बनती है। गीत को फिल्माने के लिए ट्रेन में बैठकर या प्लेन से पूरा फॉरेन वगैरह घुमा के ले जाते हैं डांसर, किस लिए? मिलिट्री की तरह यूनिफॉर्म ड्रेस होते हैं। सब कुछ जानते हुए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिल्म कहे तो एक विजुअल मीडिया। क्या करने वाला ये विजुअल मीडिया? अरे ऑडियो की वजह से ही तो आप लोग पैसा कमा कमा के फिल्में बनाते हैं। क्यों डायरेक्टर सर, मैं बोल रहा हूँ और आज चुप हो। बोलिए सर, मेरा कहना सही है, आपके आदमी कहना सही है? छोड़िए कथा। ए, क्या कथा? कथा से फिल्म चलेगी क्या? म्यूजिक डायरेक्टर, पहले 50 दिन आपकी कथा और डायरेक्शन से पिक्चर चलेगी, उसके बाद रिपीट ऑडियंस कैसे आएगी? गीत के लिए ही ना। सारे देवदास हमारे तरफ देख। अरे देखते तो देखने दो। हाँ हेलो, सबको जरा इधर देखिए भाई, सुनिए, एक फिल्म हिट होने के लिए कथा और डायरेक्शन जरूरी है कह रहे हैं। चलते हम लोग। मैं कहता हूँ कि गीत जरूरी है। अरे मैं बोल रहा हूँ और जा रहे क्या? अब इसके बारे में क्या बहस करना। हेलो, कौन है? डायरेक्टर सर हैं क्या? बोल देना बाथरूम गए हैं। छी, कितनी बार भी फोन करूं लाइन पे नहीं आ रहा, बहुत गुस्से में है। ओहो, रात को पीकर पता नहीं क्या उल्टा उल्टा सीधा बक दिया। इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे लाइव दिया, मैंने उसके मन को दुखी कर दिया। अरे मैंने इतना बोला और उन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया, इसीलिए तो गिल्टी महसूस। ए रामनाथ, तू तो वहीं था ना, मुझे धक्का देकर बाहर निकाल देना चाहिए था ना। धक्का मार के निकाल तो सकता था, आप तो पी के टून थे ना। इसी तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ गाने से पिक्चर हिट होती है क्या? क्या हम पिक्चर को ऑल इंडिया रेडियो पर दिखाने वाले हैं? नहीं बोलने का सब बोल दिया, अब पछतावा करके क्या फायदा? उनके पिक्चर में बहुत बोलते नहीं है क्योंकि डायलॉग्स भी कम होते हैं। सारे डायलॉग्स को एक स्टैम्प के पीछे लिख देते हैं, बस यही तो सवाल है। मुझे तो लगता है कि इस बात को लेकर वो बतंगड़ बना देंगे। ब्यूटीफुल कटिट। राजकुमार, मंदिर में जो कंटिन्यूटी सीन लेना है, सेम येलो साड़ी। अच्छा वो डबिंग थिएटर बुक कर दिया? वहां से मुझे फोन। मैं सीआर कन्नन के घर से आ रहा हूँ। कल रात पार्टी में पीकर आपसे ज्यादा बोल गए, वो बहुत शर्मिंदा है, वो आपसे माफी चाहते हैं। उन्होंने कई बार फोन भी किया पर आपसे बात नहीं हुई। वो दारू पियेंगे, नशे में उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके बाद किसी को भेज कर माफ कर दो बोलेंगे। तुरंत हमें उन्हें माफ कर देना होगा। तुम क्या उनके पिए हो? जी ड्राइवर। हेलो सिक्योरिटी सर, सवाए क्लब मेंबर्स अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसा बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ना, फिर अरे घरों को अंदर क्यों भेजते हो? पहचाना पता है सर, इसलिए सर। मुझे बहुत लोग जानते हैं, मतलब सबको अंदर भेज दोगे? सीआर की बात को लेकर तुम जितनी बार मेरे पास आओगे कोई फायदा नहीं सर। आप एक बाहर निकलो यहाँ से। चलो तुम चलो, अबे हाथ हटा। नाम क्या है? श्याम पांडे। तो सीआर का सिर्फ ड्राइवर है या उसके अलावा कुछ? उस दिन पार्टी में मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ करने की मेरी उम्र नहीं है, तुम्हें भूलने के लिए दिल बड़ा है। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे नहीं, तुम अपने ड्राइवर पांडे को कहो।
आजकल के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है साहब। शूटिंग, बिलियर्ड क्लब, डबिंग थिएटर, प्रीव्यू थिएटर, जहां मैं जाता हूं मेरे पीछे पीछे आता रहता है। रात में बारिश में भीग कर मेरे इरादे को बदल कर आपसे बात करवाने वाला यही है। जीजाजी, क्या वो जो चित्रा बोल रही थी ना, वो फोन पे गा रही है। क्या नहीं, 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 वो जो गाने वाली चित्रा है ना, वो फोन पे बोल रही है। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। वो क्या है कि मेरे घर के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाया हूँ, उसका कुंभाभिषेक करने वाला हूँ। कॉलोनी के सब लोग आ रहे हैं, एक प्रोग्राम आयोजित करने की सोच रहा हूँ। अगर आप उस प्रोग्राम में आकर गाना गाएंगी तो लोग खुश हो जाएंगे। प्रोग्राम किस दिन है सर? शुक्रवार को। हाँ, वो जो गुरुवार के बाद आता है ना, वो शुक्रवार को। अच्छा, कंपनी का कार भेजूं या अपनी कार से आएंगे आप? ओ, हुंडा सिटी में आएंगे ना? ठीक है, आ जाइए। मेरी शूटिंग है सर, इसलिए मुझे जाना हो। प्रोग्राम सुने बगैर जाएंगे नहीं आप? भैया, मणि साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। प्रोग्राम खत्म होने तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जी, उन्हें जाने दीजिए ना। क्यों? पूरा प्रोग्राम देखने बैठ गए तो पूरे दो दिन लग जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? किसी पिक्चर की रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, फ्लाइट मिस हो गई, अलका नहीं आएगी। अलका नहीं आ रही? जानते हो ना, नहीं आ रही है तो फौरन कोई छोटे मोटे सिंगर का इंतजाम कर सकते थे ना। हर जगह हाथ मार लिया, कोई भी अवेलेबल नहीं है, सब सिंगर्स बिजी हैं। अगर आप बुरा ना माने तो गाना मैं गा लेता हूँ। लिखने का चांस तो नहीं दिया, कम से कम गाने का चांस तो दीजिए। मेरे सास सुरा के आसमान को फाड़ के रख देंगे। पागलों की तरह बकवास मत करो, तू गाएगा तो सुनेगा कौन? मोहल्ले के सारे लोग प्रोग्राम सुनने के लिए आकर बैठे हैं, इंडस्ट्री की सारी महान हस्तियां आकर बैठी हैं, मेरी इज्जत चली जाएगी। कैसे भी वो प्रोग्राम होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है बताओ। मनोरंजन कार्यक्रम का इंतजार करने वाले आप सब लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। यहाँ पे आप सबके लिए प्लेजेंट सरप्राइज है। आज इस कार्यक्रम में हमारे सामने गाने वाली है के आर भारती जी की वाइफ निर्मला भारती जी। सुनिए, आप सब लोगों को एक राज की बात बताने वाली हूँ मैं आज। इनकी आवाज में मुग्ध होकर ही के आर भारती जी ने इनसे शादी की थी। सागर करती हूँ नमस्कार में। तुमने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किससे पूछ के तुमने मेरी पत्नी से गवाया? किससे पूछने की जरूरत है सर, मैंने उनसे गाने को कहा, उन्होंने गाया, सबने सुना और सुनने वालों को भी उनका गाना बहुत अच्छा लगा। जबान मत चलाओ, तुमने जो किया बहुत गलत किया, उल्टा जवाब जो दे रही उससे भी गलत है। तुमने जो किया उसके लिए मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी होगी? मैं क्यों आपसे माफ़ी मांगूंगी, ऐसी कौन सी गलती कर दी? मतलब तुम माफ़ी नहीं मांगोगी? जी हाँ, अगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी तो क्या करेंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो ठीक है, निकाल दीजिए। लेकिन एक बात मैं समझ गई, आपका गुस्सा मैंने गाना गवाया इस बात पर नहीं, आपका गुस्सा है कि उन्होंने गाना गाया। क्यों, ठीक कहा ना? क्यों सर, कितनी अच्छी अच्छी सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वाकई में एक अच्छे सिंगर को हाउसवाइफ बना के आपने घर पे बैठा दिया है। अपना नाम कमाने के लिए एक अच्छे सिंगर को आपने घर पे बैठा दिया, आपको शर्म नहीं आई? शेम ऑन यू। पहले यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट। अरे सर, आइए अंदर आइए, आप कहलवा भेजते तो मैं खुद आ जाता। बैठिए सर, चाय पानी क्या बोलूं? नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए। उस दिन पार्टी में दारू पीकर डायरेक्टर के पास बहुत कुछ गलत बोल दिया, माफ किया तो मुझे शांति मिली। आज मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी दिल में रखे बगैर तुम्हें, आजकल के जमाने में, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल दोपहर को हमारे घर आना खाने के लिए। जी सर। ठीक है। आपको घर बुलाया है।
प्लीज आंटी। खुश रहो। कुंभ अभिषेक में जितने भी आए थे सबको दिया, तुम्हें नहीं दे पाए। तुम्हें देने में बहुत खुशी हो रही है। ये तो कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बेझिझक पूछ सकती हो मुझसे। मैं एक लड़की को बहुत चाहती हूँ, पता नहीं उसके पापा इस बात के लिए राजी होंगे कि नहीं। आप मेरे लिए उनसे बात करेंगे प्लीज? मैं जरूर आऊंगा। हम दोनों साथ में आएंगे, अब तो खुश हो ना? थैंक यू। हमारे घर में खाना? ऐसी कोई बात नहीं साहब, इसीलिए तो मैंने तुम्हें खाने बुलाया। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी में आपकी मदद चाहिए। क्यों बेटा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ साहब। प्रॉब्लम किसने की, उसके पिता ने या तुम्हारे पिता ने? दोनों ही। क्या प्रॉब्लम है, दोनों का प्यार पिता को पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं, हम दोनों के पिता एक दूसरे से नफरत करते हैं। समझ गया, तुम्हारे लिए मुझे वहाँ आके सपोर्ट करके बात करनी है। ओके, लड़के के बारे में तो बता दिया, लेकिन कहाँ और किससे मिलना है? महालिंगमपुरम गेस्ट हाउस। कहाँ ना? महालिंगमपुरम मेरे दोस्त के गेस्ट हाउस में। ये गेस्ट हाउस है, आइए आइए ना। आइए। लड़के वाले आ गए क्या? बैठिए ना। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वो बहुत गुस्से में रहते हैं, काफी सीरियस किस्म के हैं। आप लोग बैठिए, मैं अभी आ जाती हूँ। मना कर हमारी शादी कराइए साहब। बात करने करने को कह रहा है, किससे बात करनी है? साहब मेरे लिए आपको इन्हीं से बात करना है। ये क्या है, तुम्हारे पिता से बात करनी होगी कहा था और अब यहाँ लेकर आए हो? तुम यहाँ कैसे? तुम नहीं जानते हो क्या इनके घर में काम क्या है क्या? पांडे? पांडे नहीं, कृष्णा। क्या कृष्णा? यही मेरे पापा है। ड्राइवर बनके क्यों आए? अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए। उसके लिए हमारे घर क्यों आए? उसके घर की नौकरानी से प्यार तो नहीं किया होगा? कहाँ गई थी कल्याणी? कल्याणी नहीं, जानकी। जानकी? पापा वो क्या? पिता, ये तुम्हारे पिता है क्या? मैं नर्स बनी कृष्णा से शादी करने के लिए। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम मजबूर थे। मैं जानकी को, जानकी मुझे पसंद करती है, पर आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। जानकी आपको और मैं इन्हें पसंद आओ, हम यही चाहते थे और कुछ हद तक ऐसा ही हुआ। पूरी तरह सफल होने के लिए आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए ना? रुक जा। इतने दिनों तक तुझसे ड्रामा करने के लिए किसने कहा था बोल? तेरे पिता ने? कितनी फिल्में उसके पास, टोटली मार्केट आउट है। ये शादी हुई तो फिर से मेरा जोड़ीदार बन जाएगा, है ना? ए, मुझे नीचे करके तेरा पिता बढ़ गया था ना, वो धोखा मैं भूला नहीं। शादी वादी की बात की तो कत्ल कर दूंगा। देखा, खन्ना का मिजाज अभी तक नहीं बदला है, वो वैसे ही है। पता नहीं छोटी सी बात के लिए हमने कभी झगड़ा किया, पागलों की तरह अभी तक उसको मन में बिठा के रखा है। कृष्णा, हमारी लड़ाई में तुम्हारी शादी नहीं रुकनी चाहिए बेटे, वो मैं करवाऊंगा। नहीं पापा, हमारी शादी में हमें आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, बिना उनके इजाजत हमें ये शादी नहीं करनी है। जानकी सिर्फ उनकी बेटी नहीं, मेरी बेटी भी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम दोनों की शादी जरूर होगी। भारती सर, हम लोग शादी की पूरी तैयारियां शुरू कर देते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। भैया पानी ठीक है? इकलौती बेटी, उसकी शादी, आप नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? गुस्सा थूक दीजिए, शादी में शामिल हो जाइए। अगर आप नहीं जाएंगे तो भी घर के सारे मेंबर्स जाने वाले हैं। उस कारण जो बदनामी होगी आप सह पाएंगे? ए, तू इतना ही जानता है बस, मेरे भी बच्चे क्या मुझे छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, अब जा जाके सो जा, 10 बज गए। तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर दी है, 14 की सुबह को, शुभ समय 9 से 10 बजे तक। रिसेप्शन में अलका याग्नि का प्रोग्राम होगा। ओम चंद्रम हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावा महाजातवेदो लक्ष्मी मनोगामिनी।
शादी करने के बाद वहीं चले जाना चाहिए, इतना यहां किस लिए आए? आशीर्वाद लेने के लिए ना, सिर्फ उसी के लिए है ना? वो ठीक है, अभी तुम्हें सफल हुआ हो ना इस दुख भरे जीवन में। 18 साल मैंने क्या खुशी दी, उसी बात को सोचकर सब लोग मिलकर मुझे दंड दे रहे हैं लगता है। दारूबाज के पास दिल ही नहीं, ये समझते हो हा? क्यों इस दीवार पे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगा तो हरा रंग खुशी से भर दिया, अगर खाने में बैगन नहीं चाहिए तो भिंडी बना लिया। इस तरह की छोटी छोटी बातें जब इस घर में होती थी तो सुनकर खुश होता था। क्यों घर के बारे में अक्सर सोचकर एक पिता को एक फीलिंग होती है। छोटी छोटी बातों में सर हिलाने वाले तुम लोग, आज जिंदगी के अहम मुद्दे की बात आई तो अलग हो गए। अब तो जान गया ना तुम लोग वाकई में मेरी इज्जत करते हो या नहीं। क्यों जानकी, तुम्हारी शादी हो तो मुझे अकेली छोड़ के चली जाओ। 10 महीने साथ रहने के बाद तुम एक सुंदर सा बालक और जीवन भी खुशी से गुजरने लगेगा। और जब बाहर चले गए तो फोन आया कि पिता गुजर गए, फौरन तुम्हारी आंखों में एक आंसू आ जाएगा। रुमाल से पूछ लेने पर फिर तुम्हारा जीवन भी सहज ही हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड के लिए बात हुई और गुजर गई। हाँ पिता, बस इतना ही ना, अपना कर्म मैंने कर दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा दिया। तुम्हारा जीवन तुम्हें कैसे जीना है जान गए तो मैं किस लिए? मर्यादा के बिना घर में मैं कैसे रहूं? सब कोई मिलकर जो आप समझ रहे हो वैसी बात नहीं, हम लोगों ने अभी तक शादी भी नहीं की। बिना आपके आशीर्वाद हम शादी नहीं करेंगे। मुहूर्त बीतने तक हम लोगों ने आपका इंतजार किया, आप दोनों के आशीर्वाद से ही हम शादी करेंगे। मेरे पापा मान गए, अब आप जब मानेंगे तभी हम शादी करेंगे, चाहे कई साल क्यों न बीत जाएं, हम इंतजार करेंगे आपके आशीर्वाद का। ये रही आपकी बेटी, आपके घर पहुंचाकर जा रहा हूं। क्या सोचा है तुमने? जब चाहोगे तुम आओगे, मेरी बेटी से प्यार करोगे, शादी करके ले जाओगे और मंगलसूत्र पहना बिना छोड़ जाओगे, क्या सोचा है? मैं लड़की का पिता हूं, ऐसे ही बात करूंगा, सबके लिए राजी नहीं होऊंगा। तुम आके शादी के लिए समाधान करने के बजाय बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो, बड़ा त्यागी। इधर सुन, अभी मर्यादा से मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहना गया, नहीं तो फिर अजा। चाहिए ना, एक जरूरी बात है, मैं वहां पर आती हूँ।
केआरबी सर, इतने दिन जो ये लड़की आपके घर पे काम कर रही थी ना, हाँ ये लड़की वाकई में नर्स नहीं है, ये खन्ना सर की बेटी है। नर्स की तरह एक्टिंग करके बुद्धू बना रही थी। ये बात है? जी हाँ बिल्कुल यही बात है, एक्चुअली ये दोनों लव करते हैं। ये बात है? हाँ। आप सिर्फ डॉक्टरी नहीं बहुत बड़ी ज्ञानी है। थैंक यू। प्रीपेड वाली बात को पोस्टपेड में ले जा रही है।